Hello students! सो so, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ब्यूटिफुल इंपॉर्टेंट लेक्चर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन तो बेटा यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आता है पार्ट ऑफ ब्रेन से देन आपको बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द मकैनिज्म ऑफ विजन एंड मकैनिज्म ऑफ हियरिंग सो आज मैं आपको सबसे ईजीएसट वे में समझाऊंगी कि कैसे आप आई का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन और मैके विजन देख सकते हैं उसके बाद बेटा हियरिंग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पार्ट ऑफ द ब्रेन तो एक क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ द ब्रेन से आता है न्यूरोन के टाइप्स भी पूछे जा चुके हैं कई बार पेपर में एंड एट द वेरी सेम टाइम कंडक्शन ऑफ नर्व लाइक यू नो नर्व में कंडक्शन कैसा होता है आपने देखा होगा कि एक न्यूरॉन से पूछा जाता है कंडक्टिंग में कैसा होता है डीपोलराइज पोलराइज क्या होता है न्यूरॉन में कंडक्शन कब होगा ऐसे क्वेश्चन को भी आज सॉल्व करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखेंगे कि कैसे हाइपोथैलमिस कंट्रोल करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को बाय द हेल्प ऑफ पिट्यूट्री तो हाइपोथैलोमिस पिट्यूट्री को कंट्रोल करेगी पिट्यूट्री अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ द हॉर्मोन एक्शन ओके? सो लेट मी सी हाउ स्टूडेंट्स हैव केम एंड स्टार्ट, ओके? जस्ट अ सेकेंड या चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पहले ही बता दिया जाए कि नीट यू जी अश्योर है थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम दिख रही होगी गले में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि थोड़ा कोल्ड एंड कफ है एंड लाइक सिम्टम्स तो कोविड के लग रहे हैं आफ्टर दैट आई विल गो एंड चेक माई सेल्फ ओके एंड तो बेटा आपको पहले ही बता दिया जाए कि नीट यू जी अश्योर कर रहा है आपको किसके लिए आयोनिक एंड आपको प्लस क्लासेस के लिए तो आपको पता है कि आपका ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल तक वैलिड है प्लीज़ जाइए कोड यूज़ कीजिए और अप्लाई कीजिए आप अपने प्लस और आइकनिक क्लासेस के लिए प्लीज ध्यान रखना कि यहां पे आपको टीचर्स का को कोड प्रोवाइड करना होता है तो आप कौन सा कोड प्रोवाइड करने वाले हैं प्रिया मैम पी आर आई वाई ए एम डब्ल ए एम ओके देन उसके बाद जस्ट अ सेकेंड हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एंड मैम मैम ओके बेटा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आपके सारे रिप्लाई करने वाली हूँ थोड़ा सा ख्याल रखना है कि पहले हम लेक्चर्स ले लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग अपने डाउट क्लियर करेंगे पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है वे मकानिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कल हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात किया था लेकिन हमने सार्को मेयर तक ही बात किया था मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखा था स्केलेटल सिस्टम देख लिया था तो मुझे प्लीज़ रिमाइंड करना कि आपको अपने को मसल कॉन्ट्रैक्शन का यू नो मैकेनिज्म देखना है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो बेटा अगर आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है अबाउट अ न्यूरॉन तो न्यूरॉन को सबसे पहले समझेंगे बाय अ डायग्राम तो बेटा अगर आप न्यूरॉन के डायग्राम की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके न्यूरॉन के पास होती हैं ये जो डेंड्राइट्स है ओके चलिए सबसे पहले तो मैं खुद ही आपको ट्रिक्स बताती हूँ कुछ चीज़ों की तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरॉन की तो ये है आपकी सेल बॉडी सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन आता है जिसे आप एग्जॉन कहते हैं एक्सॉन इंड करती है आपकी किसमें नर्व इंडिंग्स में ये बात क्लियर है अब ये जो सेल बॉडी है उसमें अनदर एक्सटेंशन होते हैं जिसे आप डेंड्रॉइड्स कहते हैं आप इसे क्या कहते हैं डेंड्रॉइड्स कहते हैं अब आपको ख्याल रखना है कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो सेल बॉडी है ये जो सेल बॉडी होती है ये इसका काम क्या हो करना होता है तो सेल बॉडी स्टोर कर रही होती है एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स निसल ग्रैन्यूल्स ओके निसल ग्रैन्यूल्स

और सेल बॉडी जिसे आप बेटा सोमा भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं सोमा तो सोमा और सेल बॉडी के पास होता है निसल ग्रैनुअल्स और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं तो ये सारे नेसेसरी प्रोटीन्स बनाएगी जो आपके न्यूरॉन के कंडक्शन के लिए हेल्प करेंगे एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये जो एग्जॉन होती है जब स्टार्ट करती है आपके सेल बॉडी से तो इसे क्या कहते हैं इसे एग्जॉन इसे एग्जॉन हिलॉक कहते हैं एग्जॉन हिलॉक को नेक ऑफ द एग्जॉन कहा जाता है और बेटा ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट न्यूरॉन का कौन होता है एग्जॉन दिस इज कॉल्ड कॉल्टज द नेक अब बेटा आपका दो तरह के एक्सटेंशन देखे गए हैं एक तो एक्सटेंशन है डेंड्राइट और दूसरा जो लॉन्ग एक्सटेंशन होता है डेंड्राइट मल्टीपल एक्सटेंशन हो सकते हैं और ये हमेशा छोटे होते हैं सेल बॉडी का एक्सप एक्सटेंशन दो होता है एक होता है एक्सॉन और एक होता है डेंड्रॉड बेटा अब डेंड्रॉइड कैसी होती है मल्टीपल हो सकती है और छोटी छोटी हो सकती है स्मॉल होती है और एक्सॉन जो होता है वो बहुत बड़ा एक्सटेंशन होता है लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन होता है अब ख्याल रखना है क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो आपका एक्सॉन होता है जो कि लॉन्ग एक्सटेंशन uh, होता है इसका काम क्या है तो बेटा ए फॉर एक्सॉन रखेंगे और यहां पर लिखेंगे कि ये जो न्यूरो और जो मैसेज होता है वो करता है

क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट तो बेटा ये जो होती है, वो करती है को तो डेंड्राइट का बॉडी है जिसे सोमा कहते हैं है. बेटा आप इसे साइटोन कह दीजिए सेल बॉडी कह दीजिए सोमा कह दीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है यहां पे मैसेज लेके आज

सुनिए अब बेटा मैंने कहा कि आपके पास होता है ये एग्जॉन अब ध्यान रखना है ये है सेल बॉडी क्लियर और यहाँ पे है डेंड्राइड तो ये तो आपको अब समझ में आ गया अब ध्यान दीजिए ये जो एग्जॉन है एग्जॉन के बगल में स्वान सेल्स होती हैं क्या होती है स्वान सेल्स होती हैं तो एग्जॉन इज कवर्ड बाय स्वान सेल्स तो देयर इज द स्वान सेल्स अब ये स्वान सेल्स दो प्रकार की होंगी स्वान सेल्स अगर माइलिन शीट देती हैं ये एक तरह का लिपिड होता है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है तो स्वान सेल्स दोनों में होंगे आप अगर माइलिनेटेड अगर आपका न्यूरॉन में एग्जॉन अगर माइलिनेटेड है तो भी स्वान सेल्स होगा अगर नॉन माइलिनेटेड है तो भी स्वान सेल्स होगा स्वान सेल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है एक में स्वान सेल्स माइलिन शीट प्रोवाइड करेगा एक में स्वान सेल्स माइलिन माइलिनशीत नहीं प्रोवाइड करेगा तो अपने दिमाग में लिख लीजिए कि आप चाहे माइलिनेटेड नॉट फाइबर हो चाहे नॉन माइलिनेटेड नॉट फाइबर हो स्वान सेल्स प्रेजेंट है क्या अप्सेंट है स्वान सेल्स अगर माइलिन शीट देता है तभी वो माइलिनेटेड है अगर स्वान सेल्स नहीं देता है तो वो नॉन माइलिनेटेड है बट स्वान सेल्स प्रेजेंट है दोनों ही केस में ये बहुत बार बच्चा मिस्टेक करता है वो आपको गलती नहीं करनी है मैंने कहा आपके पास है एग्जॉन एक्जॉन जो होता है वो सराउंडेड होता है बाई स्वान सेल्स अगर सेल्स प्रोड्यूसेस प्रोड्यूस माइलिन शीत तो दिस एग्जॉन इज कॉल्ड एज माइलीड एग्जॉन माइलीटेड एग्जॉन बेटा अब आप, मैं आपको बताना चाहूंगी एक बात आप बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आपको यह समझ में नहीं आता नर्व क्या है नर्व ट्रैक क्या है नर्व फाइबर क्या है एग्जॉन क्या नर्व फाइबर कहलाता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना है और आज मैं न्यूरोन से रिलेटेड नर्व से रिलेटेड गैंगलियन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ बट आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना है ओके जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड तो मैंने कहा एग्जॉन में स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं अब स्वान सेल्स अगर माइलिन प्रोड्यूस करते हैं तो ये माइलीनेटेड एग्जॉन्स कहलाती है अब ध्यान रखना है माइलीनेटेड एग्जॉन हमेशा और हमेशा हमेशा कहां प्रेजेंट होगी आपके क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स तो क्रैनियल और स्पाइनल स्पाइनल नर्व्स और और या आप क्रैनियल न्यूरॉन्स में अगर आप एग्जॉन देखेंगे तो वहां माइलिनेटेड होगा तो आप लिखिए क्रैनियल और स्पाइनल नर्व क्रैनियल और स्पाइनल नर्व क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स के पास माइलिनेटेड होता है अब ध्यान से सुनिए अगर बेटा यह है आपकी आपका क्या हो गया ये डेंडराइट हो गया ये सेल बॉडी हो गई ये एग्जॉन हो गया एक्जॉन के पास स्वान सेल्स प्रेजेंट है एग्जॉन्स के पास स्वान सेल्स प्रेजेंट है बट दिस स्वान सेल्स दिस स्वान सेल इज नॉट प्रोड्यूसिंग इज नॉट प्रोड्यूसिंग इज नॉट प्रोड्यूसिंग माइलिन शीत माइलिन शीत माइलिन शीत देन इट इज कॉल्ड एज नॉन माइलीनेटड नॉन माइलीटेड एग्जॉन नॉन माइलीनेटेड एक्जॉन तो अब क्या लिखना है? है आपको देखना है कि एग्जॉन दो प्रकार का होता है अगर स्वान सेल बेटा अगर आपकी स्वान सेल माइलिन सॉरी अगर आपकी स्वान सेल्स माइलिन शीत प्रोवाइड करेगी प्रोवाइड्स माइलिन शीत इज प्रोवाइडेड स्वान सेल इज प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग माइलिन शीत इज प्रोड्यूसिंग माइलिन शीत बेटा माइलिन शीत इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड माइलीनेटेड माइलीनेट माइलीनेटेड एग्जॉन हमेशा एग्जाम्पल याद रखना क्रैनियल क्रैनियल एंड स्पाइनल नव एम एस सी एम एस सी एम एस सी एम एस सी लाइक मास्टर ऑफ साइंस होता है ना तो माइलीनेटेड इज स्पाइनल और क्रैनियल नर्व अब देखिये एग्जॉन है जिसमें आपकी स्वान्ल्स है स्वान सेल्स प्रजेंट है बट दे आर नॉट दे आर

सिस्टम ओके नर्वस सिस्टम somatic नर्वस सिस्टम autonomic एंड somatic नर्वस सिस्टम नॉन myelinated ऑटोनॉमिक एंड somatic नॉन myelinated जल्दी से बोलो ऑटोनॉमिक एंड somatic नॉन myelinated नॉन myelinated myelinated cranial और स्पाइनल ऑटोनॉमिक एंड somatic nervous system अब आप मुझसे ये तो समझ गए कि क्या है मालिनेटेड क्या है नॉन मालिनेटेड एक क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया अब बेटा आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो न्यूरॉन थी उसके पास है एग्जॉन ठीक है अब ये जो एग्जॉन है ये किस नाम से और जाना जाता है तो बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लीज़ 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 प्लीज ध्यान रखना ये जो एग्जॉन है इसे आप नर्व फाइबर भी कहते हैं तो एग्जोन को नर्व फाइबर भी कहा जाता है एग्जॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व फाइबर अब बेटा एक्जॉन की जो नर्व इंडिंग होती है इसे टीलोडेंड्रॉन भी कहा जाता है नर्व इंडिंग नर्व इंडिंग को टिलोडेंड्रॉन भी कहा जाता है टिलोडेंड्रॉन टिलोडेंड्रॉन एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहा जाता है अब क्लियर हुआ ओके okay. अब देखिए बेटा यहां पे जो है ये होता है साइनाप्टिक नॉब ये क्या होता है साइनाप्टिक नॉब और इस साइनाप्टिक नॉब के अंदर क्या होती है वेसिकल्स होती है तो साइनाप्टिक नॉब हैव क्या साइनाप्टिक वेसिकल साइनाप्टिक वेसिकल साइनाप्टिक नॉब है साइनाप्टिक वेसिकल और ये साइनाप्टिक वेसिकल के अंदर होता है न्यूरो ट्रांसमीटर तो कभी कभी आपसे टिलोडेंड्रॉन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टिलोडेंड्रॉन टिलो डेंड्रॉट तो टिलो टिलोडेंड्रॉन हैव वॉट तो टिलो टिलोडेंड्रॉन मीन्स नर्व एंडिंग टिलो टिलोडेंड्रॉट है डेंड्रॉन हैव सैनेप्टिक नॉब सैनप्टिक नॉब है सैनेप्टिक वैसीगल इनसाइड द सेनाप्टिक वेसिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर देअर ये क्लियर हुआ एक्जॉन को नर्व फाइबर भी कहते हैं एक्जॉन को नर्व फाइबर भी कहते हैं अब ध्यान से सुनिए अब ध्यान से सुनिए आपका यहाँ पे जो सोमा है जो साइटॉन है जो सेल बॉडी होती है वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखना है बिल्कुल क्वेश्चन लिखना है और इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है एग्जाम में हंड्रेड एंड हंड्रेड पूछा जाएगा देखिए बेटा सोमा जो होता है ये क्या करता है अपने अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म लेके आता है साइटोप्लाज्म है अब इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है निसल ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है और सर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट्स होंगी और आप आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है अब ध्यान रखिए साइटोप्लाज्म के वजह से यहाँ पे ग्रे कलर का अपीयरेंस आता है तो जो ग्रे मैटर होगा तो जब बहुत सारी हमारी सेल बॉडी मिलेगी सोमा मिलेगा तो वो ग्रे मैटर बनाएगा तो देखिए एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन विच सेल बॉडीज आर टुगेदर तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा इसे आप ग्रे मैटर कहेंगे आप ये कहेंगे बहुत सारी नर्व या बहुत सारी नॉट नर्व बहुत सारी न्यूरॉन्स इकट्ठा हुई हैं और जहाँ पे सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है उसे ग्रे मैटर कहते हैं अब एक और चीज़ आपको बता दो एग्जॉन में क्या होता है माइलिन शीत प्रेजेंट होता है एग्जॉन में क्या प्रेजेंट होता है माइलिन शीत प्रेजेंट होता है अगर माइलिन शीत प्रेजेंट है तो बेटा ये इसको वाइट अप्योरेंस देती है क्या देती है वाइट अप्योरेंस देती है तो वाइट मैटर भी कह सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीत दिस इज कॉल्ड एज वाइट तो वाइट मैटर मीन्स अगर जो न्यूरोन है वो कहाँ से मिले हैं आपके आपके बहुत सारे एग्जॉन्स एक जगह मिले हैं जब एग्जॉन्स मिल जाते हैं एग्जॉन ग्रुप ऑफ एग्जॉन्स मिलते हैं तो उसे व्हाइट मैटर कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी मिलेगी तो उसे ग्रे मैटर कहेंगे तो एक जगह जहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडी है ग्रे मैटर क्यों क्योंकि यहां पे क्या होता है बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है नेसरल ग्रैनुअल्स एंड ऑल जिसके वजह से ग्रे अपीयरेंस आती है अब ये क्लियर अब मैम एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पेरी तो बेटा जो सेल बॉडी है जिसे आप साइटोन कहते हैं इसे आप पेरी कैरियॉन भी कह सकते हैं तो जो साइट ये जो साइटो साइटोन सेल बॉडी है इसे पेरी कहते हैं और इंडिंग को टिलोडेंड्रॉन पेरी कैरियॉन टिलोडेंड्रॉन पेरीकेर टिलोडेंड्रॉन ग्रुप ऑफ एक्सॉन बिकम वाइट मैटर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी बिकम ग्रे मैटर अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है नर्व फाइबर का दूसरा नाम एक्सॉन होता है अगर टीचर ने कहा नर्व फाइबर माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड तो मतलब एक्सॉन एग्जॉन तो एक्सॉन का मतलब ही नर्व फाइबर होता है बेटा जल्दी बताओ समझ में आया समझ में आया गुड इवनिंग गुड इवनिंग या आज स्पेशल क्लास है तो आज, आज आप क्या करेंगे आज प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे ध्यान रखना कि हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी भी सॉल्व करनी है तो उसके लिए आपको मेरे स्पेशल क्लास में आना पड़ेगा ये फ्री है आपको अन अकेडमी के ऐप में जाना है डाउनलोड करना है आपको अपना एजुकेटर चूज करना है तो आपको अपने एजुकेटर में प्रिया मैम देखना है और आज की जो लाइव क्लास है वो नौ से दस है क्लियर नाइस 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 मैम आप इंस्टा आईडी बता दो हे hey, भगवान ये बच्चे ना ओके चलिए ओके अब बेटा आपको एक क्वेश्चन हो गया अब अपने को एक और जो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है वो दो जगह पे रहती है अब यहां पे अपने को भी ख्याल रखना है दोबारा से <laughs> क्या है देखिए बेटा आप नहीं समझते हैं कि अगर उसने लिख दिया नर्व ये कभी आपने सुना ये नर्व क्या होती है ठीक है नर्व फिर आपने सुना होगा एक वर्ड नर्व ट्रैक्ट नर्व ट्रैक्ट नर्व ट्रैक्ट नर्व ट्रैक्ट नर्व राइट एंड देन आपने क्या सुना होगा गैंगलियन 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 एंड देन आपने सुना होगा न्यूक्ली 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 न्यू खिली ओके तो न्यू खिली सॉरी न्यूक्ली ये देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ओके okay, तो लिए और आपका गैंगलियन नर्व ट्रैक एंड नर्व अब बेटे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नर्व मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्सॉन ग्रुप ऑफ एक्सॉन नर्व ट्रैक सेम ग्रुप ऑफ एक्जोन ग्रुप ऑफ एक्जोन ग्रुप ऑफ एक्सॉन और ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर मीनिंग सेम ना क्योंकि एक्जोन मीन्स नर्व फाइबर अब देखें नर्व का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एग्जॉन नर्व ट्रैक का भी मतलब होता है ग्रुप ऑफ एग्जॉन व्हाट इज न्यूक्ली मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ साइटोन न्यूक्लियस का आपका आपका क्या होता है नर्व सेल होती है एक नर्व सेल व्हाट इज नर्व सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एज और एज व्यूरोन नर्व सेल तो न्यूरोन इज्कल टू नर्व सेल अब हमें पता है कि एक नर्व सेल में एक्सॉन होता है और सेल बॉडी होती है आप इसे साइटॉन और आप इसे क्या सोमा भी कह सकते हैं अब देखिए बेटा जब आपके जो नर्व आपके जो नर्व है इट मीन्स दैट बहुत सारी जो आपकी नर्व सेल्स है न्यूरॉन है वो इकट्ठा हुई है इन टू अ प्लेस वेयर देर इज अ ग्रुप ऑफ एग्जॉन अब नर्व ट्रैक भी ग्रुप ऑफ एक्जोन है अब गैंग्लियन में क्या होगा बहुत सारी नर्व इकट्ठा होगी फ्रॉम द साइटोन पार्ट ओके यहाँ पे भी जो नर्व इकट्ठा होंगे वहां पे सेल बॉडी पास में होगी अब बेटा डिफरेंस क्या है आप देखिए बेटा डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनिए, आप देख, दे, देखिए, आपका जो नर्वस तो सिस्टम तो और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वन इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम

ऑटोनॉमिक इज फर्दर डिवाइडेड इन टू सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम एक है पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम मैम ये तो कोई भी टीचर पढ़ा देता है आप क्या एक्स्ट्रा बताने वाली है यहाँ पे तो ध्यान से सुनिए नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड है अब पेरीफेरल क्या है सेंट्रल क्या है ये अगर आप जान गए तो आप हंड्रेड स्टूडेंट में से चार स्टूडेंट के अंदर आते हैं मैं सच बता रही हूँ जब मैं आपके एज में थी तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफरल में जो नर्व होती हैं वो कैसी अलग होती हैं तो ध्यान रखिए अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करी तो सपोज कीजिए ये एक पर्सन है जिसका नाम है प्रिया ओके प्रिया मैम है अब प्रिया मैम के सर पे और ये जो एक्सिस में जो न्यूरोन्स हैं वो कहलाए जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो यहाँ जो ब्रेन के पास और ब्रेन से निकली जो नर्व है इन टू दिस स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज विच नर्व यहाँ पे आएंगे दो नर्व जिसमें कहेंगे आप क्रैनियल नर्व ब्रेन में क्या है ये वाला ब्रेन का पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज यहाँ की जो नर्व होंगी उसे क्रैनियल नर्व कहेंगे अब बेटा स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है ना आपके मेड्यूला से एक्सटेंड होता है क्या स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ पे स्पाइनल नर्व जाती है तो नीचे बॉडी के एक्सेस में आपका नर्व जाएगा जिसे आप क्या बोलेंगे स्पाइनल नर्व तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व होते हैं ठीक है क्रैनियल नर्व स्पाइनल ये यहाँ पे रहेंगे अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या है तो ध्यान दीजिए ये एक पर्टिकुलर पर्सन है लेकिन अब ये जो नर्व्स यहाँ पे जा रही है हाथ पैर बॉडी तो दिस पर्टिकुलर अगर अवे फ्रॉम द बॉडी जा रही है तो दिस टाइप ऑफ नर्व विच इज अटैच आउटसाइड नॉट फ्रॉम द मिडिल हेड और स्पाइनल में यहाँ पे नर्व नहीं है यहां पे जो नर्व है वो अवे फ्रॉम द बॉडी है अब समझ में आया तो हाथ और पैर जिन कर दीजिए दिस साइड द नर्व्स नर्विच इज गोइंग दिस इज कॉल्ड एज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम आपके हेड और नीचे है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है तो ब्रेन के जो नर्व होते हैं क्रैनियल नर्व कहते हैं स्पाइन कॉर्ड की जो नर्व होती है उसे कहते हैं समझ में आया ये एक एक्सेस में फॉर्म करेंगे अब देखिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में वो क्या होता है यहां पर जो नर्व्स और न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज होंगी वो आपके एक्सटर्नल बॉडी से पेरिफेरल बॉडी सिस्टम कॉर्नर से सेंस ऑर्गन से लेके आएंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज देंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज अब दोबारा किसको जाएगा ऑर्गन्स को जाएगा सपोज अगर आप मुझे अभी टच करते हैं शेक शेखैन करते हैं तो मैसेज फ्रॉम माय बॉडी इज गोइंग टू माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स बीच में प्रेजेंट है आप ये इमेजिन करके चलिए और यहाँ के जो न्यूरोन है वो अवे फ्रॉम द बॉडी है क्लियर ओके okay. तो यहाँ पे जो नर्व लगती है उसे पेरिफेरल बोलते हैं यहाँ पे जो बीच के एसोसिएशन दिखाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाएंगे अब आपको एक और चीज क्या समझनी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स रहेंगी ये अलग रहेंगी यहाँ से यहाँ पे जो बॉडी से मैसेज आएगा टुवर्ड्स एंटेरियर पोस्टेरियर मूव करेगा पेरिफेरल में फ्रॉम द सेंस ऑर्गन to the central nervous system from the central back to the peripheral or corner or other sense organ clear okay चलिए अगर यह समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ हाँ जल्दी बताओ समझ में आया समझ में आया पहली बार आपको थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा is इज that's nice नाइस जल्दी बताओ क्लियर हुआ एटलीस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम peripheral नर्वस सिस्टम तो क्लियर हुआ यस मैम क्लियर मैम दैट्स नाइस दैट्स नाइस दैट्स नाइस नाइस प्रिया दैट्स सुपरब आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है बेटा इसके लिए लेकिन कल तो तैयार हो जाऊंगी मैं एकदम क्लियर ओके okay, चलिए अब आपको कुछ चीजें देखनी है ये बेटा देखिए अब आप पूछेंगे नर्व 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 ट्रैक्ट गैंगलियॉन नर्व नव ट्रैक ओके दिस इज कॉल्ड एज गैंगलियॉन एंड न्यूक्लियर बेटा आपने ये वर्ड बहुत सुने होंगे नर्व ट्रैक न्यूक्ली गंग्लियॉन नर्व अब ध्यान से सुनना नर्व ट्रैक सेंट्रल नर्व सिस्टम ट्रल सेंट्रल ट्रल नर्व ट्रैक ट्रैक टी आर TR, यहां पर ट्रल तो नर्व ट्रैक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं और न्यूक्ली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो नर्व ट्रैक और काम है यस नर्व और गैंगलियन अगर ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का काम है एक्सटर्नल ऑर्गन सेंस ऑर्गन सी एन एस की तरफ और सी एन एस से जो भी मैसेज होगा वो आपके ऑर्गन को आपने मेरे को हैंड शेक करना है आप मेरा हाथ आगे बढ़ाएंगे मेरे दिमाग में मैसेज आएगा भाई इसने इसने हैंड शेक के लिए बोला है तो अब मेरे ब्रेन में मैसेज आया अब मेरा हाथ आगे की तरफ जा रहा है तो, तो वो तुमसे हैंड शेक करने के लिए तो ये जो एक्सटर्नल मेरी बॉडी जो मूव कर रही है इज बाय द दल नर्वसमें दिया सी एन एस ने अब आपको ध्यान रखना है पेरीफेरल में नर्व और गैंग्लियन वर्ड यूज होता है नर्व ट्रैक सी एन एस और न्यूक्लियस सी एन एस में यूज होती है कैसे याद करेंगे ट्रैक नर्व ट्रैक सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रल और ट्रैक दोनों कॉमन है अब देखिए व्हाट इज नर्व ट्रैक ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ एक्जॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व ट्रैक ग्रुप ऑफ एग्जॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज नर्व ट्रैक और ये पूरी बॉडी में आपके प्रेजेंट होंगे नर्व एग्जॉन और सो दैट मैसेज आसानी से एक बाई एक पूरी बॉडी में ट्रेवल करे इन द एक्सेस मेन एक्सेस ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस ओके सॉरी स्पाइनल कॉन अब देखिए वट इज न्यूक्ली ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ साइट ग्रुप ऑफ साइट और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी और ग्रुप ऑफ सोमा तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर तो ग्रुप ऑफ साइट सेल बॉडी इन दी एन एस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर अब यही चीज है तो ये क्या है नर्व क्या है ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन दी एन एस इज कॉल्ड एज नर्व तो नर्व और नर्व ट्रैक का मतलब सेम है ग्रुप ऑफ एक्सॉन वट इज गैंगलियन ग्रुप ऑफ Group of group of kya? group of cell body. The group of cell body in PNS called as ganglion. Group of cell body in central nervous system is called as nuclei. Clear? Clear? Okay. The nerve track, group of exon, nuclei, group of cyton. ग्रुप ऑफ एग्जॉन है बहुत सारे एग्जॉन इकट्ठे होंगे और ये पी एन एस में कहलाएंगे तो पी एन एस नर्व गैंग पे नर्व ट्रैक एंड न्यूक्लियर ग्रुप ऑफ न्यूरोन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्रुप ऑफ न्यूरोन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द सेल बॉडी सी एन एस में होता है आपका न्यूक्ली सी एन एस न्यूक्ली नर्व ट्रैक सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर ये क्लियर हुआ ओके okay. दैट साइज दैट साइज दैट साइज ओके चलिए अब हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक खत्म हो गया ये भी अब आपके क्लियर हो गया अब देखिए बेटा अब अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ अब आपको ये तो समझ में आ गया क्लियर हो गया अब आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ न्यूरॉन टाइप ऑफ न्यूरॉन तो ध्यान रखना है ध्यान रखना है अपने को कि आपका ये जो न्यू आपका जो सेल बॉडी है ये है आपका सेल बॉडी सेल बॉडी ने लाया आपका एग्जॉन ठीक है ये जो एग्जॉन है यहाँ पे अगर माइलिन है तो माइलिनेटेड शीट में क्या होती है गैपिंग होती है। इसे नोट्स ऑफ रैनवियर कहते हैं गैपिंग में अब फिर बेटा यहां पे क्या होता है आपका टेलो डेंड्रॉन या आप इसे नव इंडिंग कहते हैं अब ख्याल आपको क्या रखना है कि आपका ये जो एग्जॉन है और आपकी डेंड्राइट है कितनी है आपका एक्सटेंशन कितना है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी हाउ मेनी एक्सटेंशन हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी हाउ मेनी एक्सटेंशन आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी यू हैव थ्री टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आपके पास तीन टाइप की तीन टाइप की न्यूरॉन्स होती है आपके पास थ्री टाइप्स की न्यूरॉन होती है अगर डिपेंडिंग अपॉन कितने एक्सटेंशन है तो तीन टाइप के न्यूरॉन कौन से होती है एक होती है कौन सी यूनी देन होती है बाई एंड देन होती है मल्टीपल पोलर तो थ्री टाइप की न्यूरॉन होती है वन इज कॉल्ड एज यूनी देन क्या होती है बाई और देन होती है मल्टीपोलर मतलब अगर आपके पास बहुत सारे डेंड्राइड हैं, एक एक्सॉन एक है तो उसे मल्टीपोलर कहते हैं सेल बॉडी का एक एक्सटेंशन दैट इज यूनी सेल बॉडी का एक एक्सटेंशन एक्सॉन और सिर्फ एक एक्सटेंशन डेंड्राइट तो एक डेंड्राइट एक एक्सॉन एक बाईपोलार बहुत सारी डेंड्राइट एक एग्जॉन मल्टीपोलार तो आपकी बॉडी में मोस्ट ऑफ जो न्यूरॉन होती है मल्टीपोलार होती है मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स होती है वो मल्टीपोलार मींस बहुत सारे डेंड्राइट एक एग्जॉन दैट इज कॉल्ड इज मल्टीपोलार वट इज बाईपोलार यहाँ पे वन एग्जॉन एंड वन वन डेंड्रॉयड एक एग्जॉन एक डेंड्राइड Means, सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी के पास एक्सॉन है सेल बॉडी के पास कोई है, है ही नहीं एक uni, one, uni. दो एक्सटेंशन बाईपोलर मल्टीपल एक्सटेंशन मल्टीपल डेंड्राइड एक एक्सॉन दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर सबसे ज्यादा कौन होती है आपकी मल्टीपोलर अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इनका प्रेजेंस कहाँ पे यूनिपोलर न्यूरोन कहाँ होती है बाईपोलर एंड फिर आपके मल्टीपोलार तो मल्टीपोलार होती है आपकी कॉर्टेक्स में तो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है सेरिब्रल कॉर्टेक्स है आपका सेरिब्रम है तो आप लिख दीजिए सो सेरिब्रम जो बेटा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वहाँ पे सेरिब्रम लिख दीजिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो भी आपको बहुत ईजी दिख रहा है एग्जामिनर तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम दोनों देता है तो बोथ ए एंड बी करेक्ट होता है तो जो सेरिब्रम में जो मल्टीपल आप देखेंगे न्यूरॉन तो वो मल्टीपल न्यूरोन होती है मल्टीपल मतलब मल्टीपोलार अब देखिए बाईपोलर मींस एक एक्सटेंशन एक्सॉन एक डेंडराइट तो ये कहां पे प्रेजेंट होती है रेटिना ऑफ आई तो रेटिना ऑफ आई में बाईपोलार न्यूरॉन होते हैं रेटिना रेटिना बाईपोलार रेटिना बाईपोलार यूनिपोलार आप अभी बहुत ग्रो कर चुके हैं अब आपके पास यूनिपोलार न्यूरॉन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है एम्ब्रियर मल्टीपल पोलार ऑल ओवर योर ब्रेन और आपके अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन सो दैट इज कॉल्ड ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंशन ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये क्लियर हुआ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ओके okay, चलिए अब हम बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं ओके okay, तो अब मैं आपको देखिए ये होता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दिस इज यूनिपोलर एक एक्सॉन बाईपोलर एक डेंट्राइट एक एक्सॉन सीडो यूनिपोलर आपके एनसीआरटी में नहीं है तो नहीं देखेंगे मल्टीपल पोलार्स में मल्टीपल डेंट्राइट और एक एक्सॉन क्लियर ओके चलिए अब हम बात करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन जो कि काफी बार पूछा गया है और आपको यहाँ पे मार्क्स लूज नहीं करना है अब आपको पूछा जाता है कि एक्सॉन में नर्व का इम्पल्स कैसे जाता है बेटा वट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोन मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर करना या एक न्यूरॉन से सेंस ऑर्गन को ट्रांसफर करना मेरी बॉडी में कोई सेंस ऑर्गन है वो मैसेज कौन लेके आएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन मुझे बताएगा कि मेरे हाथ को मूव करना कैसे है मुझे क्या बोलना है ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है तो वह मैसेज लेके आ रहा है दैट इज देअ सो आपका ये जो न्यूरॉन है आपका ये सपोज कीजिए बॉडी है और ये एग्जॉन है और ये है आपका टिलोडेंड्रॉन और इसे आप कह दीजिए नर्व इंडिंग अब ख्याल क्या रखना है ख्या, ख्याल क्या रखना है एक न्यूरॉन मैसेज लेके आ रहा है डेंड्रॉइड से एक न्यूरॉन मैसेज लेकर डेंड्राइड से और ये जो मैसेज होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जिससे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है हम बात करते हैं लैंग्वेज है हमारे पास तो हम एक दूसरे के फीलिंग को समझते हैं अब न्यूरॉन एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं एक होता है एक्साइटर न्यूरो ट्रांसमीटर और एक होता है इनहाइ By neurotransmitter. अगर neurotransmitter आया है, तो ये न्यूरो करती है मैसेज को न्यूरो ट्रांसमीटर्स को और यहाँ पे अब कोई ऑर्गन लगा होगा अब इस ऑर्गन के पास रिसेप्टर्स रहते हैं हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास हर न्यूरो के रिसेप्टर्स रहेंगे कोई भी न्यूरो कहीं भी काम नहीं करता इनके पास रिसेप्टर कोई ऑर्गन है इनकी फंक्शनिंग को देख रहा है ठीक है आप ये ऑर्गन के अलावा एक और न्यूरॉन भी इमेजिन कर सकते हैं एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है या हम कहें एक न्यूरॉन एक ऑर्गन से लगा हुआ है जैसे हम अगर बात करें तो हमारे पास बोन है तो बोन से मसल लगी हुई है और मसल से न्यूरॉन लगा हुआ है ध्यान से सुनिए मैंने कहा आपके पास बोन है बोन से क्या लगी हुई है मसल लगी हुई है और इन मसल से क्या अटैच होता है नर्व या न्यूरॉन तो न्यूरॉन मसल को काम करने को बोलेगी और मसल जब मूव करेगा तो बोन का मूवमेंट होगा मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका बोन भी तो तो मूव करेगा राइट तो हमने देखा नर्व या तो नर्व एक दूसरी नर्व से जुड़ी होती है और मैसेज ट्रांसफर करती है नर्व नर्व से जुड़ के मैसेज ट्रांसफर करेगी तो ये ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इन टू द नर्व है अब बेटा फाइनल इस नर्व को किससे जुड़ना है मसल से जुड़ना है तो यहाँ पे एक ऑर्गन है मसल अब देखिए मसल जो है आपको पता है लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है आपके बॉडी में मसल है तो देखिए अब मसल के पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये न्यूरो का वेट कर रहे हैं अगर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्साइटरी है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और काम करने की कोशिश करेगी और एक्टिवेट हो जाएगी अगर मैसेज इन हाई बैटरी है तो अगर नर्व इंडिंग से मैसेज इन हाई बैटरी न्यूरो का आ रहा है तो मसल कहेगी यार रिलैक्स हो जा क्योंकि न्यूरो तो कैसा आया है इन हाई ये कह रहा है अपने को काम नहीं करना है तो आपकी मसल जो नर्व से जुड़ी हुई है दो प्रकार के एक्टिविटी कर सकते हो या तो मसल अच्छे से काम करेगी या तो मसल रिलैक्स हो जाएगी काम नहीं करेगी तो ऐसा क्यों होगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा न्यूरो आ रहा है तो आपके पास दो प्रकार की न्यूरो ट्रांसमीटर होती है एक होती है एक्साइटरी अगर आपके ऑर्गन्स में एक्साइटेशन काम कर रही है एक्साइटरी काम कर रही है तो इसे न्यूरो को एक्साइटरी न्यूरो कहेंगे मेरा नीट में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्साइटरी न्यूरो और इनहाई तो बेटा अगर इनहाई मैसेज होगा तो ऑर्गन स्टॉप हो जाएंगे एक्टिविटी के लिए वो शांत हो जाएंगे तो इन हाँ बैटरी का जो सबसे फेवरेट है वो है गाबा 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 ये ऐसा न्यू ये न्यूरो है जो ऑर्गेंस के एक्टिविटी को स्लो डाउन कर, कर देता है स्टॉप कर देता है गावा के बाद आपका होता है ग्लाइसिन मैम ये तो अमाइनो एसिड्स है बेटा आपके पास ऐसे न्यूरोटर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन का भी काम करते हैं जैसे एसिटाइल कोलाइन एंड कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो न्यूरो का भी काम करेंगे और कुछ अमाइनो एसिड्स भी होती हैं जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर का, का काम करते हैं तो कन्फ्यूज मत होना ग्लाइसिन और गावा ये इनहाइबाइट्री न्यूरो है मैम एक्साइट्री क्या होता है तो एक्साइट्री में आप लिखेंगे adrenaline हार्मोनस तो एड्रेनालाइन को एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन लिख दीजिए ठीक है ये लिख दीजिए दूसरा आप लिखेंगे एसिटाइल कोलाइन एसिटाइल कोलाइन एसिटाइल कोलाइन तो एसिटाइल कोलाइन एड्रेनालाइन और बेटा अगर अमीनो एसिड की बात करें तो ग्लूटामेट ग्लूटामेट एक्साइटरी होती है क्या होती है ग्लूटामेट ये क्या करेंगे एक्साइटरी ट्रांसमीटर है तो ग्लू

कि मैम आपने कहा कि आपके पास एक न्यूरॉन है यह है एग्जॉन और यह है नर्व इंडिंग यह है नर्व इंडिंग नर्व इंडिंग के अंदर साइनाप्टिक वेसिकल्स होते हैं और यह साइनाप्टिक वेसिकल अपने अंदर न्यूरो रखते हैं तो न्यूरो ट्रांसमीटर साइनाप्टिक वेसिकल्स को हम क्या कहेंगे प्री साइनाप्टिकॉप प्री साइनाप्टिक या आप प्री साइनाप्टिक स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं इनके बीच में एक जगह होती है जिसे साइनाप्टिक साइनाप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं साइनाप्टिक क्लेफ्ट अब बेटा याद रखिए याद रखिएगा कि आपका न्यूरॉन न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है बाय प्री एरिया से प्री मेम्ब्रेन से प्री मेम्ब्रेन फ्यूज़ होगी सानाप्टिक वेसिकल से और अब यहाँ पे न्यूरो दे दिया जाएगा जो गड्ढा होता है उसे सानाप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं सानाप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं अब मैम एक क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में 2007 की बात है कि सानाप्टिक वेसिकल फ्यूज होते हैं सनाप्टिक नॉब से और रिलीज करते हैं क्या न्यूरो तो कौन सा ऐसा आयन है जो हेल्प करता है तो आप लिख लीजिए कैल्शियम जब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो सानाप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाती है प्री सानाप्टिक मैम्ब्रेन से तो ये प्री सानाप्टिक मैमब्रेन क्या है ये वो मैम्ब्रेन है जहां पे सानाप्टिक वेसिकल फ्यूज होगी और अपने अंदर जो न्यूरो है वो रिलीज करेंगे तो प्री सानाप्टिक मेमब्रेन तो प्री सनाप्टिक मैंब्रेन किसका का पार्ट होता है एक पे गड्ढा होता है सैनिक क्लेफ्ट कहते हैं अब देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करें हैं, तो ये सपोज कीजिए कोई सेंस ऑर्गन है ये कोई सेंस ऑर्गन है सपोज कीजिए ये कोई मसल है इस समय पे ठीक है मसल है मसल सेंस ऑर्गन तो यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर्स लगे रहते हैं इस हॉर्म इस न्यूरो ट्रांसमीटर्स को लेने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे रहते हैं और ये रिसेप्टर्स मैसेज लेंगे और मसल को काम करने के लिए कहेंगे अगर एक्साइटरी होगा तो एक्साइट होगा इनहायटरी होगा तो मसल काम नहीं करेंगे अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं पोस्ट साइनाप्टेक साइनाप्टेक मेम्ब्रेन पोस्ट साइनाप्टेक मेम्ब्रेन तो प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन बिटवीन द साइनाप्टिक क्लेफ्ट तो ये तीनों मिलके एक जगह बनाती हैं ये एक जगह बनाएगी जिसे आप साइनाप्स कहते हैं साइनाप्स

आपके आपके मियोसिस में हो रहा था ना साइनापसिस किस में जायगोटिन में तो साइनापसिस का आई अगर टीचर ने लिखा है तो वो आपको कंफ्यूज कन्फ्यूज कराए साइनापिस किस में आता है सेल डिवीजन सेल डिवीजन डिवीजन में आई आ रहा है ना साइनापसिस अगर आई है तो डिवीजन साइनापसिस तो दैट इज़ नर्वस सिस्टम ई है तो नर्वस सिस्टम तो प्री साइनाप्टिक मैम्रेन पोस्ट साइनाप्टिक मैम्रेन साइनाप्टिक लेफ्ट कॉल दै साइनापसिस तो आपका एक साइनापसिस से दूसरे साइनापसिस में मैसेज ट्रांसफर किया किया जाता है तो सिनेप्सिस पता चल गया तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देगी या एक न्यूरॉन एक मसल को मैसेज देगी जब इनके बीच में सिनेप्सिस होता है तो सिनेप्सिस क्या करती है न्यूरोट्रांसमीटर को रोकेगी और फिर जाके आपके सेंस ऑर्गन्स को या अनादर न्यूरॉन को मैसेज दे देगी एम आई क्लियर एम आई क्लियर एम आई क्लियर ओके, दैट इज वेरी फाइन आई गेस नो प्रॉब्लम एट ऑल राइट कोई प्रॉब्लम है यहां पे? नहीं है अब देखिए, आपकी साइनापसिस तो आपने साइनापसिस तो आपने देख लिया एक क्वेश्चन साइनापसिस से आता है तो प्री साइनाप्टिक साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, एंड देन देयर इज अ पोस्ट साइनाप्टिक पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके बीच में होता है साइनाप्टिक क्लेफ्ट साइनाप्टिक क्लेफ्ट तो साइनाप्टिक प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन क्या देगी न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रुकेगा अब न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर दिया जाएगा इसे आप साइनापसिस कहते हैं अगर आपके पास साइनापसिस हैं तो केमिकल साइनापसिस कह सकते हैं इसे और अगर आपके पास साइनापसिस अपसेंट है एक न्यूरोन दूसरे न्यूरॉन से फ्यूज हैं बाई प्री एंड पोस्ट तो उसे इलेक्ट्रिकल साइनाप्स कह सकते हैं साइनाप्स क्या होता है आपका नर्व का कंडक्शन करता है कैसे एक न्यूरो दूसरे न्यूरो को मिलती है बाय द न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड द साइनाप्सिस तो केमिकल साइनापसिस में क्या होता है न्यूरो केमिकल का यूज़ होता है अगर न्यूरो केमिकल नहीं है यहाँ पे तो हम इसे इलेक्ट्रिकल साइनाप्स कह देते हैं ये क्लियर हो गया नाइस nice. अब हम बात करते हैं बेटा कंडक्शन अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक को लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं अपने को कंफ्यूज नहीं करना है क्लियर जल्दी से बताइए किनको समझ में आ गया साइन ऑफिस समझ में आया केमिकल है? मैसेज कैसे ट्रांसफर किया जाता है टू हंड्रेड परसेंट क्लियर दैट्स नाइस दैट्स नाइस दैट्स नाइस बस मैम दो मिनट रुको पानी के लिए ले लेता हूं ओके okay. आयुष ओके okay, क्लियर हुआ बेटा दैट्स नाइस ओके 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 क्लियर ओके चलिए अब हम बात करेंगे अब आपका हमने ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बात कर लिया अब हम देखेंगे कि आपके एग्जॉन में इंपल्स जनरेट कैसे होता है आपके एग्जॉन को कैसे पता चलता है कि यार अब मुझे काम करना है एग्जॉन आपके न्यूरॉन दो प्रकार के होंगे एक होगी रेस्टिंग न्यूरॉन जो कि शांति से पड़ी हुई है और वो शांति रहना चाहती है कोई काम नहीं करना चाहती है एक होता है जब न्यूरॉन के पास मैसेज आया है कि भाई अब तुझे दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देना है और वो न्यूरॉन तक मैसेज लेके जाना है जो दूसरे सेंस ऑर्गन से लगे हुए हैं जैसे कि मसल तो अब आपको ध्यान रखना है कि एग्जॉन दो प्रकार की होती है न्यूरॉन दो प्रकार की होगी एक सोती हुई न्यूरॉन जो कोई काम नहीं कर रही है कोई मैसेज का कंडक्ट नहीं कर रही हो और एक न्यूरॉन जो मैसेज को कंडक्ट कर रही है इम्पल्स को जनरेट कर रही है और इम्पल्स को ट्रांसफर कर रही है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तो ऐसा कैसा होता है तो अब हम बात करने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन बेटा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है ना आज के बाद तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा जनरेशन एंड जनरेशन एंड कंडक्शन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स नर्व के अंदर मैसेज कैसे आता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जल्दी से सब अलर्ट हो जाओ जल्दी से पहले सब अलर्ट हो जाओ जल्दी से क्योंकि अब हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सब पेन किताब खोल के बैठो ओके okay. कैसे न्यूरॉन में मैसेज आता है और कैसे न्यूरॉन एक्साइट होती है सो so देट वो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे सके जल्दी 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 ओके नाइस अब देखिए बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स देख रहे हैं अब देखिए बेटा एक्सॉन आपको पता है ब्रिंग द मैसेज अवे फ्रॉम द बॉडी ये तो क्लियर है देखिए एक्सॉन दो प्रकार की होती है एक होती है जिसमें मैसेज आ रहा होता है और वो मैसेज कंडक्ट कर रही होती है तो हम इसे कहेंगे कौन सी एक्सॉन कंडक्टिंग एक्सॉन कंड ओके ओके अब यहाँ पे कंडक्टिंग न्यूरॉन और मैसेज कंडक्टिंग न्यूरॉन ओके तो यहाँ पे कंडक्टिंग न्यूरॉन और या आप एग्जॉन मान लीजिए और इसको आप कहेंगे यहाँ पे जो काम हो रहा होगा उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा ओके okay? तो ये कंडक्टिंग एग्जॉन है एक्शन पोटेंशियल और हम कहेंगे ये जो एग्जॉन है वो डी पोलराइज होती है तो डी पोलराइज एक्शन पोटेंशियल कंडक्टिंग एक ही स्टेट में आएगा अब दूसरी एग्जॉन होती है जो होती है नॉन कंडक्टिंग कोई भी मैसेज को कंडक्ट नहीं करेगा नॉन कंडक्टिंग इनके बीच में जो पोटें रेस्टिंग पोटेंशियल होगा और आपको मैं बता दूं यहाँ पे उसको पोलराइज भी कहते हैं ये एग्जॉन कैसी होती है पोलराइज व्हाट इज मीन बाई पोलराइज नेट चार्ज जीरो होता है नेट चार्ज इक्वल टू जीरोन इट इज कॉल्ड एज पोलराइज जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना आपका नेगेटिव चार्ज है तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज पोलराइज नॉन तो कंडक्टिंग में रेस्टिंग पोटेंशियल होगा और ये पोलराइज होती हैं जो एग्जॉन नहीं मैसेज कंडक्ट करती हैं उसे पोलराइज कहते हैं अब वो एग्जॉन जो मैसेज कंडक्ट कर रही है उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको एक्शन पोटेंशियल और इसको डीपोलराइज भी कहेंगे डीपोलराइज मीन्स नेट चार्ज होगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा नो बैलेंस ऑफ चार्ज एक ज्यादा या एक कम ऐसा कुछ होगा क्लियर ओके okay. ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बेटा ध्यान से सुनना अब देखिए बेटा दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग कंडक्टिंग दिस इज कॉल्ड एज नॉन कंडक्टिंग अब देखिए कैसे होगा कैसे होगा यहाँ की जो एग्जॉन होती है यहाँ पे एग्जॉन नॉन कंडक्टिंग दैट इज रेस्टिंग कंडक्टिंग एक्शन अब देखिए बेटा एग्जॉन के ऊपर क्या होती है आयन चैनल्स होती है एग्जॉन इज कवर्ड बाय आयन चैनल एग्जोन के पास क्या होते हैं आयन चैनल होते हैं इस आयन चैनल को एक्टिव मूवमेंट होता है सोडियम एंड पोटेशियम का सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं और इनके अंदर कौन से आयन जा सकते हैं सोडियम और पोटेशियम ओके okay? अब बेटा नॉन कंडक्टिंग में भी क्या होता है आपके आयन चैनल्स होते हैं और यहां पे भी सोडियम एंड पोटेशियम आ सकता है अब डिफरेंस क्या देखना है आपको डिफरेंस क्या देखना है ये समझना है बस कंडक्टिंग में क्या होता है आपकी जो आयन चैनल्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं फॉर द पोटाशियम इन द सॉरी आपका जो कंडक्टिंग स्टेज है जो कि आपका कंडक्टिंग पहले उसको लिख देंगे कंडक्टिंग मीन्स एक्शन एक्शन ओके एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल और इसे पोटेंशियल और इसे एक्टिव एक्जॉन कह सकते हैं क्या बोलते हैं बेटे से एक्टिव एक्जॉन इसमें क्या होता है यहाँ पे जो आयन चैनल हो जाती हैं वो किसके लिए ओपन हो जाएगी वो किसके लिए ओपन हो जाएगी जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बता दो ये हो जाएगी सोडियम के लिए ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर जाएगा सोडियम ठीक है नॉन कंडक्टिंग में ये जो आयन चैनल्स हैं वो किसके लिए एंटर करेंगी पोटाशियम तो पोटाशियम अंदर की तरफ आएगा इन नॉन कंडक्टिंग सो नॉन कंडक्टिंग में कौन सा होता है पोटाशियम मूव्स इनसाइड पोटेशियम मूव्स इनसाइड पोटाशियम मूव करेगा इनसाइड और क्या करता है नेगेटिविटी बढ़ाता है इट्स अ नेगेटिव आयन तो पोटेशियम नेगेटिविटी बढ़ाएगा नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव अमाउंट बढ़ाएगा नेगेटिव एनर्जी बढ़ा रहा है तो पोटेंशियल मूव्स इनसाइड। तो यहां पे नॉन कंडक्टिंग में पोटेशियम गेट ओपन पोटेशियम गेट ओपन अब पोटेशियम मूव करेगा अंदर जैसे ही पोटेशियम अंदर मूव करता है ये जो अंदर का फ्लूड है इसे एक्जो कहते हैं तो एक्सोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा पोटाशियम मूव कर जाता है और ये पोटाशियम ठीक था लेकिन जैसे ही पोटाशियम अंदर लगने आने लग जाता है नेगेटिव प्रोटीन नेगेटिव प्रोटीन नेगेटिव प्रोटीन डू नॉट लीव एक्सोप्लाज्म मीन्स एक्सोप्लाज्म जो फ्लूड है एक्जोन के अंदर वो नेगेटिव प्रोटीन को बाहर नहीं जाने देता है वो उसको अंदर रोक लेता है तो नॉन कंडक्टिंग में पोटासियम गेट ओपन हो जाता है बहुत सारे पोटेशियम आयन अंदर आते हैं पोटासियम इज अगेटिव आयन एंड जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाता है यहीं पे मैटर नहीं रुकता है हमने देखा जब नॉन कंडक्टिंग स्टेट है जब आयन चैनल ओपन हो चुका है तो जो नेगेटिव प्रोटीन है वो भी एग्जोप्लाजम को रोक नहीं पाती है अपने आप से निकलने के लिए मीन्स नेगेटिव प्रोटीन का कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाता है तो जिसके वजह से हमने देखा नॉन कंडक्टिंग स्टेज जो इनके बीच का पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट होने लग जाता है मींस आपका अब ध्यान रखना अब ध्यान रखना मींस आपका नेगेटिविटी इनसाइड द एक्सोप्लाज्म इंक्रीजेस नेगेटिव आयन्स इंक्रीज करते हैं और जो सोडियम होता है वो बाहर रहता है और जितना सोडियम होगा उतना पोटेशियम होगा और नेट चार्ज जीरो हो जाएगा जिसके वजह से कुछ भी मैसेज इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं होती है तो इन नॉन कंडक्टिंग स्टेज के आयन गेट ओपन हो जाता है तो के अंदर की तरफ मूव होता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है अब हमने ये भी देखा कि जो नेगेटिव प्रोटीन है K के के वजह से बाहर नहीं जा पाती हैं तो नेगेटिव प्रोटीन भी यहीं पर इकट्ठे होने लग जाती और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है और इसका सेवेंटी माइनस सेवेंटी का पोटेंशियल डिफरेंस आता है एंड दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल कितना आया माइनस सेवेंटी मिली वॉल्ट अब देखे बेटा एग्जेक्टली exactly, अब थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है जब आप एक्शन पोटेंशियल में जाते हैं जब आप में मैसेज आता है आपको कहा जाता है कि एग्जॉन उठो तो क्या होता है सोडियम अंदर आता है सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा सोडियम इज़ अ पॉजिटिव आयन तो जो यहाँ पे नेगेटिव था ऑलरेडी क्योंकि अगर कोई चीज़ रेस्ट है उसके बाद ही तो वो काम करेगी तो क्या होता है अंदर तो नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था लेकिन अब होगा क्या अब होगा क्या सोडियम अंदर आएगा और क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में सोडियम मूव इन साइड और जहां पे जिस जगह से सोडियम अंदर आएगा उसे टिगर जोन कहते हैं और अब वो वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस सेवेंटी से यहां पे पॉजिटिव 55 हो जाएगा या पॉजिटिव 60 हो जाता है जिसके वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया सोडियम का अंदर आना डीपोलराइजेशन कहा जाता है मींस ये नर्व वहाँ पे एक्टिव हो गई है ये ये एग्जॉन एक्टिव हो गया है हो जाएगा। सोडियम जब अंदर आएगा तो जो मेम्ब्रिन होती है वो डीपोलराइज हो जाती है और अब क्या होता है सोडियम अंदर आया और जहां से अंदर आया उसे टिगर जोन कहते हैं और वो जगह पॉजिटिव हो जाती है अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जॉन में पहले अंदर नेगेटिव था अंदर क्या था जब रेस्ट था तो नेगेटिव था और बाहर आपका पॉजिटिव था बाहर क्या था आपका पॉजिटिव प्लीज ध्यान दीजिए प्लीज ध्यान दीजिए अब देखिए बेटा यहां से ये अंदर आया तो यहां पे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम मीन्स यहाँ पे डिपोलराइजेशन अब ये पॉजिटिव हो जाता है ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो अब क्या होगा अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव इस जगह को आप ए साइड कह दीजिए इस जगह को बी साइड अब अगर आप इनको देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव कंसंट्रेशन है यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव कम है तो यहां पे नेगेटिव ज्यादा है तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अराइज और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अरइज़ हुआ पोटेंशियल डिफरेंस आरइज हुआ इसे आप एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल अब होगा क्या अब होगा क्या वो देखिए ये हो गया पॉजिटिव ये हो गया पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव अब क्या होता है इनके बीच में ए साइड से बी साइड में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे कम पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव अंदर की तरफ तो अब क्या होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव चार्ज मूव इन साइड फ्रॉम ए टू बी तो इन साइड में क्या होगा आपकी इलेक्ट्रिक करंट मूव होता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी मूव इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस ए साइड टू बी साइड और आउटर सर्किट भी कंप्लीट होता है और यहां पे जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होता है यू नो दैट द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अपोजिट ऑफ द चार्ज इज द इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी कहां मूव करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस राइज ड्यू टू द चेंज इन द आयन हमें क्या देखा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और अब क्या होगा बाहर से पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा अब ये वाली साइड को आप एक्स साइड कह दीजिए जैसे ही यह हुआ अब क्या हो जाएगा बैक टू नॉर्मल बैक टू नॉर्मल यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और अब ये क्योंकि यहाँ पे चार्ज मूव किया है ये पॉजिटिव हो जाएगी ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव अब यहाँ पे इसे क्या मूव होगा अब यहाँ का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगी ये पॉजिटिव और ये अपोजिट नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ से चार्ज अंदर की तरफ आएगी तो ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज मूवस टू द नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव मूव टू द नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव मूव तो दोनों ही जगह पर देखिए आउटसाइड द मेब्रेन इन साइड द मेम्ब्रेन मीन एक्सोप्लाजम और जो आउटसाइड एक्सोप्लाजम है वहां पर कंप्लीट क्लोज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन और यहाँ पे हम कहेंगे ये जो मेम्ब्रेन है वो डी है इनके बीच का जो पोटेंशियल है उसे एक्शन पोटेंशियल कहेंगे और जो करंट है वो क्लोज सर्किट में मूव कर रहा है तो आप यहाँ पे जो मैसेज था अब ये यह यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है सेम अब सारी चीज़ें रिपीट होती जाएगी जब तक कि ये मैसेज नर्व इंडिंग पे नहीं आएगा और ये मैसेज कुछ भी नहीं है ये है आपका न्यूरो से आया मैसेज इन्हाबिशन का या एक्साइटेशन का अब ये मैसेज पहुँचे

आपको अभी समझ में आया कंडक्शन ऑफ इंपल्स समझ में आया बेटा कंडक्शन ऑफ नर्व समझ में आया जल्दी बोल दो हाँ या ना यस मैम नाइस यस अबिक आई विल कम फॉर द प्लस क्लासेस ऑल्सो जी आई विल कम फॉर द प्लस ओके जी मैम यस मैम पूछो ओके दैट्स नाइस दैट्स नाइस ओके मी भाग्य सेट क्लियर ओके नाइस क्लियर मैम नो डाउट ओके प्लस नेक्स्ट मंथ से बेटा नेक्स्ट मंथ से प्लस है मैम क्लियर नो डाउट ओके दैट्स नाइस तो अब मुझे जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो जो मैंने आपसे पूछा क्या पूछा कि एक्सॉन दो टाइप के होते हैं नॉन कंडक्टिंग यहां पे कंडक्टिंग क्लियर अगर के आयन पर्मिएबल है अगर के आयन पर्मिएबल है तो क्या होगा मैम नेगेटिव जो प्रोटीन है वो भी छोड़ नहीं पाएगी और के तो ऑलरेडी नेगेटिव था जिसके वजह से नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी नेगेटिविटी इंक्रीजेस और इनसाइड द एक्शन पोटेंशियल माइनस सेवेंटी मिलीवॉल्ट का आ जाता है तो जितना नेगेटिव होता है ऊपर बाहर उतना ही पॉजिटिव होता है और नेट चार्ज जीरो हो जाते हैं इसीलिए ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं ये क्लियर हो गया क्लियर हो गया तो अगर आयन इनसाइड कर रहे हैं तो हम इसे पोलराइजेशन कहते हैं क्या बोलते हैं पोलराइजेशन और पोलराइज्ड मेम्ब्रेन अब बेटा अगर यहां पे आपके पास क्या है अंदर नेगेटिव था ऑलरेडी जब रेस्ट में थे तो आपका नेगेटिव था बाहर क्या था आपका पॉजिटिव था बाहर क्या था आपका पॉजिटिव था तो जैसे ही पॉजिटिव आपका चार्ज अंदर की तरफ आएगा मींस अगर आपकी सोडियम गेट सोडियम गेट ओपन है तो हम कहेंगे मैम डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन मतलब मैम ने बताया था एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल मींस यहां पे मैसेज कंडक्ट होगा मैसेज यहां पे कंडक्ट होगा कैसे ये जो पॉजिटिव चैनल है ओपन हो जाएगा और अंदर यहां पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या हो जाएगी नेगेटिव चार्ज बाहर क्या हो जाएगी नेगेटिव चार्ज अब इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो गया यहां पे कम पॉजिटिव था यहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव था यहां पे कम नेगेटिव था यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था जिसके वजह से क्या हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा पोटेंशियल डिफरेंस विल अराइज बिकॉज ऑफ दैट एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट एंड पॉजिटिव चार्ज विल मूव टू द नेगेटिव और देखिए बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट जो है कंप्लीट सर्किट में मूव करता है

आपको मेम्ब्रेन को पोलराइज फॉर्म पे रखना है अगर आपको एग्जॉन को पोलराइज रखना है पोलराइज रखना है पोलराइज मींस नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग तो क्या करना पड़ता है पोलराइज है नॉन कंडक्टिव है तो आपको उसे कैसे रखना पड़ता है कैसे क्या होगा जो ये पोलराइज और नॉन कंडक्टिंग होगा अगर आपको पोलरिटी या पोलराइज नेचर मेंटेन करना है तो जितने भी सोडियम इंसाइड आ रहे हैं तो अगर एक सोडियम इनसाइड आ रहा है अगर आपका एक सोडियम इन अंदर की तरफ आ रहा है तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट को ही आपको सोडियम को बाहर फेंकना पड़ेगा तो आपसे कुछ पूछा जाता है कि कितना आप कितने आयन अंदर आएंगे पोटाशियम के और कितने बाहर जाएंगे सो दैट पोलराइज नेचर ऑफ एग्जॉन इज मेंटेन तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास वो पूछता है कि अगर आपको पोलराइज नेचर मेंटेन करना है तो अगर आपके पास दो पोटाशियम आयन अंदर आते हैं तो ठीक आपको थ्री सोडियम को आउटसाइड पुश करना है तो थ्री सोडियम विल गो आउटसाइड फॉर टू पोटेशियम इनसाइड तो अगर दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं तो तीन सोडियम को बाहर फेंकोगे तभी जाके पोलराइज नॉन कंडक्टिंग नेचर मेंटेन होता है एम आई क्लियर एम आई क्लियर क्लियर और नॉट क्लियर और नॉट इज इट क्लियर जल्दी बोलो हां ओके सो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नो पिंपल्स सो डीपोलराइज्ड एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज में सोडियम गेट ओपन होंगे सोडियम गेट ओपन होंगे तो अंदर क्या होगा इतना छोटा सा पॉजिटिव बाद में इतना नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करेगा अंदर की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है तो चार्ज नाइस ओके अरे बताओ जल्दी समझ में आया या नहीं यस मैम आकांक्षा क्लियर सेल्फ हेल्प प्रिया पटेल ओके नाइस 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 ओके okay, चलिए अब हम बेटा बात करने वाले हैं आपका कंडक्शन ख़त्म हो गया है आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ख़त्म हो गया है अब हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ़ ब्रेन और पार्ट ऑफ ब्रेन के बाद जो हम बात करेंगे वो है आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन बेटा प्लीज़ इंपॉर्टेंट है जल्दी से एक्टिव हो जाओ जल्दी से एक्टिव हो जाओ पार्ट ऑफ ब्रेन के लिए पार्ट ऑफ ब्रेन के लिए ओके सो देखिए बेटा आपके पास ये सोडियम एंड पोटेशियम का कैसे होता है पोलराइज डीपोलराइज बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बताया है ओके अब देखिए बेटा आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ़ ब्रेन को पढ़ना है अब आपको पार्ट ऑफ़ ब्रेन को पढ़ना है तो सबसे पहले तो ये तो स्लाइड है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ सबसे पहले इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं पार्ट ऑफ़ ब्रेन कैसे पढ़ेंगे फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे अपन क्लियर ओके चलिए तो अगर मैं पार्ट ऑफ़ ब्रेन की बात करती हूँ तो पार्ट ऑफ ब्रेन की बात करती हूं तो आपको पता है कि ये है आपका ब्रेन ओके सो ये समझ लीजिए ब्रेन है ब्रेन जो है वो स्कल में प्रोटेक्टेड होता है तो दिस इज कॉल्ड योर ब्रेन ओके ब्रेन एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपके अंदर स्कल के अंदर प्रेजेंट है हमने देखा स्कल के अंदर भी ब्रेन के पास लाइनिंग होती है जिसे आप कहते हैं मैनिंग्स ओके इसे कहेंगे आप मैनिंग्स तो क्वेश्चन पूछा जाता है मैनिंग्स के बारे में कि मैनिंग्स क्या करती है थ्री तरह तीन लेयर की प्रोटेक्टिव है जो ब्रेन को कवर करती है इनसाइड द स्कल तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितनी होती हैं तो थ्री लेयर होती है और इसको आपको याद करना है बाई डैप डैप ओके डैप अब देखिए बेटा सबसे आउटर को ड्यूरा मैटर कहते हैं ड्यूरा मैटर इनर को कहते हैं मैटर मैटो मैटर, अराखेनोग मैटर. और ये जो सबसे इनर वाली जो लेयर होगी इसे आप कहेंगे पाया मैटर क्लियर तो दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरा ड्यूरा मैटर ओके ड्यूरा मैटर दूसरा क्या है एरा किनोइड मैटर एंड अंदर की तरफ जो है उसे कहेंगे पाया मैटर ओके पाया मैटर ओके अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैम ये क्या था इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछा जाएगा विच लेयर इज कनेक्टेड टू द ब्रेन टिश्यू और द ब्रेन सेल्स तो पाया मैटर सबसे ज्यादा क्लोज है ब्रेन की तो ब्रेन जो ये पाया मैटर है वो अटैच करेगी आपके ब्रेन से और आपके नर्व सेल्स और ब्रेन टिश्यूज और नर्व सेल्स तो से क्लियर तो ब्रेन की लेयर से कनेक्टेड है पाया अब आपकी जो एराखिनॉइड लेयर है वो थिन होती है ओके ड्यूरा मैटर कैसी होती है थिक होती है तो थिक होती है थिन होती है पाया मैटर में क्या होता है आपके ब्लड वेसल्स भी लगी होती हैं तो आपका ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी आपके पायोमेटर में लगी हुई है तो पायोमेटर तो सबसे पतली है और ये ब्रेन सेल से डायरेक्टली इनोवेट करती है और ये क्या होती है वेस्कुलराइज होती है मींस ब्लड सेल्स यहाँ पे लगी हुई हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए अपने को इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ा ओके okay? अब हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ ब्रेन के तो आपको पता है आपका जो ब्रेन है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है फॉर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन अगर हम बात करेंगे आपके फॉर ब्रेन देन है आपका मिड ब्रेन और देन है बेटा आपका हिंड ब्रेन ओके okay? ध्यान से सुनिए फोर ब्रेन में This is okay? अब brain में आपके पास क्या आता है सबसे पहला तो ये आपको तीन चीजें याद रहनी चाहिए फिर आपसे पूछा जाता है थालेमस एंड हाइपोथाल बेटा इनको तो थालमस इनको तो याद रखना ही है सेम थमस हाइपोथाल सेब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस ये तीनों जो है ब्रॉडली फॉरब्रेन को रिप्रेजेंट करती हैं अब हम इंडिविजुअली थोड़ी देर बाद देखेंगे पहले आप मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए मिड ब्रेन में क्या होता है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्री जमीना होता है क्या होता है कॉर्पोरा कॉर्पोरा क्वाड्री क्वाड्री जमीना होता है ठीक है कॉर्पोरा क्वाड्री जमीना इसको आप मिड ब्रेन से समझ सकते हैं और बेटा हिंड ब्रेन में क्या होता है पॉन्स पॉन्स सेरेबेलम मेड्यूला पॉन्स पॉन्स पॉन्स, सेलम पॉन्स सेरिबलम और मेड्यूला पॉन्स सेरिबलम एंड मेड्यूला अब आपको बेटा इनका फंक्शन इनका इन सब का फंक्शन समझना पड़ेगा आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड द ब्रेन। यहाँ पे अगर आपको समझना है तो आप पहले सेरिब्लम थैलोमस हाइपोथैलमस का फंक्शन समझेंगे फिर कॉर्पोरा क्वार्टर जमीना का फंक्शन समझेंगे फिर पॉन्स सेरिबलम एंड मेड्यूला का फंक्शन समझेंगे क्लियर अब इनकी लोकेशन में पहले आपको दिखाऊंगी फिर हम बात करेंगे थोड़ी अलग चीज़ों के तो देखिए बेटा अगर हम बात करें ये तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है फ्रॉम हियर टू दिस पार्ट इज कॉल्ड एज जस्ट अ सेकेंड ओके फ्रॉम हियर टू दिस पर्टिकुलर पार्ट दिस इज कॉल्ड एज योर दिस पर्टिकुलर कॉल्ड इज द सेब्रम आपको पता है यह जो सेम होता है यह क्या होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ओके सबसे ज्यादा अगर क्वान्टिटी किसी चीज की है तो सेब आपको सेम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसे सेल हेमिस तो यह डिवाइड कौन करता है डीप क्लेफ्ट होता है एक डीप क्लेफ्ट पास करती है इन दोनों के बीच में और सेरिबुलर हेमिस्फेयर देते हैं सेरिब्रल हेमिसफेयर दो टाइप के होंगे लेफ्ट और राइट अब आपसे लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिसफेयर से क्वेश्चन right पूछा जाता है तो क्योंकि बेटा आपको याद रहना चाहिए राइट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफेयर और लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय राइट देयर इज अ क्रॉस कनेक्शन तो आपसे पूछा जाता है विच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज डोमिनेंट तो आप लिखेंगे आपका क्या रहेगा जो अजनली आप राइट हैंडेड होते हैं ना राइट पार्ट ऑफ द चीज है तो हम कहेंगे आपका लेफ्ट हेमिसफेयर इज डोमिनेंट लेफ्ट डोमिनेंट लेफ्ट लेफ्टेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिसफेयर

कैलोसम कहलाता है यह वाला जो स्ट्रक्चर है यह कॉर्पस कैलोसम है यह दोनों हेमोस्फेयर को जोड़ के रखता है डीप क्लेफ्ट डिवाइड द म इन टू टू पार्ट कॉल्ड एज सरिब्रम हेमस्फेयर अब इनको जोड़ रखता है कनेक्ट करके सो कनेक्ट से याद रखना है कॉर्पस कैलोसम। सी फॉर सी फॉर कनेक्ट तो दे कनेक्ट द टू बाय कॉर्पस कैलोसम। अगर आप कॉर्पस कैलोसम के नीचे आते हैं तो बेटा दिस पर्टिकुलर पोर्स इज कॉल्ड एजो दिस पर्टिकुलर पोर्सन इज थैलमस और नीचे ऑफ द थेलमस इज कॉल्ड एज हाइपोथेलमस सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज द थैलमस पार्ट ओके This part is the thalamus, और नीचे ये वाला जो पोर्शन है वो हाइपोथल पार्ट होता है अब आप देखेंगे ये जो आपका है, अगर आप इसके तो हाइपोथल से नीचे एक क्या आ रहा है पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है दिस इज कॉल्ड अ सेरिब्रल एक्विडक सेरिब्रल एक्विडक्ट इज नथिंग बट इट इज अ डक्ट इट इज अ पाइप ओके तो यहां सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो मिड ब्रेन का स्टार्टिंग होता है तो फ्रॉम द हाइपोथैलमिस और द थैलमिस अ ट्यूब लाइक डक लाइक स्ट्रक्चर इज कमिंग विच हैज अ लिक्विड इन दैट दैट डक्ट और पाइप इज कॉल्ड अ सेरिब्रल एक्विडक्ट नाउ बेटा इसके नीचे अगर आप आते हैं तो देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ये और फिर ये एंड फिर नीचे की तरफ ये है, seri, है? Cerebellum. Cerebellum है, है तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कहते हैं दूसरा सेरिब्रम भी कहते हैं है। बेटे यहां पे बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग्स होती है क्योंकि सर्फेस एरिया द अदर आपको बढ़ाना है सेरीबेलम आपकी बॉडी के बैलेंस और मेंटेन करने में हेल्प कर रही है ओके बॉडी पॉस्चर को मेंटेन

ओके okay. अब यहां पे मेड्यूला और मेड्यूला ओपन होगी इन टू किसमें स्पाइनल कार्ड अब बेटा हिंड ब्रेन क्या है पॉन्स सेरिब्रम मेड्यूला इज द हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट है सेरिब्रल एक्विडक्ट जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है दैट इज द मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन किन के बीच में आती है मिड ब्रेन बीच में आती है बिलो द हाइपोथैलमिस एंड अबव द अबव द मड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज द फॉर मिड ब्रेन ओके अब मिड ब्रेन का पोर्शन खत्म हो गया अब सेरिब्रम थैलमिस हाइपोथैलमिस इज कॉल्ड एज द फॉर ब्रेन तो आई आई गेस जितना नीट में आई मीन जितना एन सी आर टी के डायग्राम में था ये तो आपको समझ में आ गया है अब जो अपने को बात करना है सेरिब्रम का काम क्या है हाइपोथैलमिस थैलमिस इन सब का काम क्या है इनसे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं ये अपन देखेंगे क्लियर ओके जल्दी से ओके okay. जल्दी से बता दो कि आपको अब आपको अलर्ट हो गए हो क्या फॉर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन के लिए शुड वी स्टार्ट शुड वी स्टार्ट ओके प्रिया पांडे बालोजी आप यूट्यूब चैनल का नाम क्या है बेटा आप मेरे को सिर्फ अकेडमी में देखो ना मेरे चैनल पे क्या आपको चाहिए ओके शुड वी स्टार्ट रानिका सेट यस रानिका शुड वी स्टार्ट Yes, आपके ब्रेन में सबसे पहले जाएंगे हम आपके फॉर ब्रेन में अब देखिए सबसे पहले अपने को काम करना है ब्रेन के बारे में तो फॉर ब्रेन का सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो है आपका सैरीब्रम तो आपको पता है सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन ओके दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट अब हमने देखा कि ये जो सेरिब्रम होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रल हेमिसर सेरिब्रल हेमिसफे हेमिसफेयर सेरिब्रल सेब्रल ओके तो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफेयर दिस इज कॉल्ड एज राइट सेरिब्रल हैफे हेमेस्फेयर अब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछेगा उनको जोड़ के कौन रखेगा तो आप लिखेंगे कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलो कैलोसम कॉर्पस कैलोसम कौन जोड़ के रखेगा बच्चा इनको जोड़ के रखेगा जस्ट अ सेकेंड कॉर्पस कैलोसम ओके इनको जोड़ के रखा किसने कॉर्पस कैलोसम ने अब बेटा उनको डिवाइड किसने सरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड किसने किया डीप क्लेफ्ट में ओके डीप डीप क्लेफ्ट हैव डिवाइडेड देम अब क्वेश्चन पूछेगा सेरिब्रल हेमिस्फेर के ऊपर की जो न्योव है या न्यूरॉन है या जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं तो बेटा अब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास है सेरिब्रम और आपके पास है सेरिब्रल हेमिसफेर तो ध्यान रखिए हेमिसफेर इज कवर्ड बाय ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जिसे आप कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉटेक्स तो हेमिसफेयर इज कवर्ड बाय सेब्रल कॉटेक्स दिमाग में रखिए सेरिब्रम इज डिवाइडेड इन टू लेफ्ट हेमस्फेयर लेफ्ट हेमिसफेयर और राइट हेमिसफेयर ओके अब हेमिसफेयर के ऊपर वाला जो पार्ट है उसे सेरीब्रल कॉटेक्स कहेंगे और सेरिब्रल कॉटेक्स में बहुत सारी इन फोल्डिंग्स आती है आप इसे प्रोमिनेंट इन फोल्डिंग कहते हैं ये सरफेस एरिया भी बढ़ाती है लेकिन अब आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है सेरिब्रल कॉर्टेक्स है है ये है आपका ग्रे मैटर ये क्या है आपका ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ऑन सेल बॉडी तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर रिप्रेजेंट करता है क्लियर हेमस्फियर के नीचे वाला जो पार्ट बिलो वाला पार्ट होता है वो वाइट मैटर रिप्रेजेंट करता है तो हेमिसफेयर का जो पोर्शन है वो वाइट मैटर है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी नहीं यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्जॉन है तो वाइट मैटर मीन्स ये जो हैमिस्फेयर में होता है यहाँ पे क्या है ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ एक्जॉन्स प्रेजेंट है तो हेमिसफेयर में क्या है ग्रुप ऑफ एक्जॉन्स प्रेजेंट है और आपके सर्वल कॉटेक्स में क्या प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ साइटॉन तो साइटॉन ग्रुप ऑफ साइट ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ तो सेरिब्रल हेमेस्फेयर ग्रे मैटर रिप्रेजेंट करता है और ये इनफोल्डिंग्स इनके पास बहुत सारी इनफोल्डिंग है प्रोमिनेंट इनफोल्डिंग है हेमेस्फेयर वाला पार्ट व्हाइट मैटर और हम इसे ग्रुप ऑफ एक्सॉन भी कह सकते हैं क्योंकि मालीन शीत प्रेजेंट है अब आपसे अनदर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्या ये जो सेरेब्रम है इसमें है क्या वॉट इज प्रेजेंट मतलब विच टाइप ऑफ न्यूरोन्स आर प्रेजेंट इन टू द सेरेब्रम वन क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू टेल इन दैट पार्ट डोंट वरी बेटा बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं करना है ठीक है ओके okay, अब देखिए बेटा अब आपको पता करना पड़ेगा कि आपके पास जो सेरिब्रम है उसके पास दो प्रकार की तीन प्रकार की न्यूरॉन होती हैं। तो सेरिब्रम के पास है three type of neuron so inside the cerebrum three type of neuron is present one is called as sensory neuron one is called as motor neuron another is called as associated neuron sensory motor associated neuron okay so apsipuchega which part of the brain have टाइप ऑफ न्यूरोन सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन अब आप मुझसे कहेंगे मैम ये सेंसरी न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या होती है तो ध्यान से सुनिए पहले तो ये समझ में आ गया सेरिब्रम पाथ हैव सेंसरी मोटर और एसोसिएटेड न्यूरॉन ओके ये क्लियर है हेमिसफेयर के ऊपर वाली जो आपकी जो कवरिंग होती है उसे सेरिब्रल कार्टेक्स कहते हैं सेरिब्रल कार्टेक्स में क्या जनरली देखा गया है वो न्यूरॉन्स जिनकी सेल बॉडी इकट्ठा हुई है तो हम इसे ग्रे मैटर कहते हैं सेरिब्रल सेरिब्रल हेमस्फेयर के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे व्हाइट मैटर कहते हैं अब देखिए बेटा आपसे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी मार्क्स लूज नहीं करने हैं वो क्या क्वेश्चन है आपका थैलेमस होता है ये आपका थैलेमस है और यहाँ पे आपका क्या है सेरीब्रम है मैंने कहा आपका जो फोरब्रेन होता है सेरीब्रम थैलेमस और हाइपोथैलेमस मेन से रिप्रेजेंट किया जाता है आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फोरब्रेन हैज़ मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एसोसिएटेड न्यूरॉन तो एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या होती है ऐसी न्यूरॉन जो आपकी मेमोरी से एसोसिएशन आपको कभी कभी लगता है ना कि आपके साथ ये चीज़ पहले घटना हो चुकी है आपको ऐसा रिमेंबर सा होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड न्यूरॉन ओके सो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स तो ये कहाँ पे होती है आप सरीभ्रम लिख देंगे अब आपसे पूछा जाता है ये थैलमिस क्या है तो शरीभ्रम के नीचे वाला जो पार्ट होता है शरीभ्रम के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो थैलमिस होता है अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थैलेमस ओके तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस तो आपको याद रखना है इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन बेटा ये तीन बार क्वेश्चन पूछ रखा है तीन बार क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस सो द थैलेमस इज द प्लेस वेयर मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन के बीच में मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन द मोटर एंड द सेंसरी न्यूरॉन तो थाल इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर बिटवीन द मोटर एंड द सेंसरी न्यूरॉन अब आप मुझे पूछेंगे सेरिब्रम से क्या याद रखना था तो so, सेरिब्रम वो जगह है जहां पे मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है और एसोसिएटेड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट है एसोसिएटेड न्यूरॉन और एसोसिएटेड एरिया प्रेजेंट है अब आपसे

क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आता है आपको ये तो पता ही होगा नहीं पता है ओके जस्ट अ सेकेंड मैं दूसरी स्लाइड यूज़ कर लेती हूँ ओके okay. नहीं वही स्लाइड यूज़ करना पड़ेगा आपको पता है बेटा आपके पास पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार के नर्व होते हैं ओके okay? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार के नर्व होते हैं एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज लेके आती है और एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाती है ओके तो अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्लियर है ओके तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो मैसेज टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट एफरेंट नर्व ओके एफरेंट मीन्स टुवार्ड सेंट्रल नवर सिस्टम टूवर्ड्स ओके और जो अवे फ्रॉम द सी एन एस दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट एग्जिट इफरेंट नव इफरेंट नव तो देखिए बेटा सी एन एस से जो जा रही है एग्जिट सी एन एस से एग्जिट तो बेटा एग्जिट का ई e होता है एग्जिट का ई e होता है इफरेंट का ई e होता है तो इफरेंट नर्व मतलब सेंट्रल नवर सिस्टम से मैसेज जा रहा है

फरेंट अब आपको याद रखना पड़ता है कि जो आ रही होती है इसे आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते है. क्या कहते हैं। हैं क्या इसे? सेंसरी न्यूरॉन तो सेंस ऑर्गन से जो न्यूरॉन आती है मैसेज लेकर टूवर्ड्स इस कॉल्ड ए सेंसरी न्यूरॉन और जो मैसेज लेके जाती है एग्जेक्ट उसे आप कहते हैं क्या बोलते हैं मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन तो अब आप मुझे बोलेंगे मैम यही तो अपने को याद नहीं होता तो आप ये लगा दीजिए सेम 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 सेंसरी एफरेंट सेंसरी एफरेंट मैसेज इज कमिंग टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एफरेंट सेंसरी सेम सेंसरी एफरेंट टूवॉर्ड सी एन एस आ रही है टूवर्ड्स मोटर इफरेंट इज गोइंग फ्राम द सी एन एस एग्जिट ई फॉर एग्जिट ई फॉर एफरेंट तो सी एन एस से जो जा रही है मोटर न्यूरोन एग्जिट जो सी एन एस की तरफ आ रही है आ रही है दैट इज एफरेंट सेंसरी कैसे याद किया सेम से क्लियर हुआ क्लियर हुआ जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं ओके okay. जल्दी 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 हा huh? स्टूडेंट्स जल्दी बताओ सेंसरी अफ्रेंट नाउ हाउ हाउ यू विल क्लियर सेम सेंसरी अफ्रेंट मोटर एफरेंट भाग्य नाइस यस मैम क्लियर नाइस तो अब आप आपका मोटर सेंसरी एसोसिएटेड न्यूरॉन्स कहाँ पे है आपका सेरिब्रम के पास है यू नो यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन है लेकिन मोटर और सेंसरी के लिए कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन काम कर रहा है थैलेमस तो ये तो शायद अब आप आपको क्लियर हो गया है राइट ओके चलिए अब हम बात करेंगे आपके हाइपोथैलेमस की हाइपोथैलेमस बेटा हाइपोथैलेमस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हाइपोथैलेमस से याद रखना है कि इट इज़ बिलो द थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है बहुत सारे सेंटर्स होते हैं तो हाइपोथैलेमस के पास है आपके सियाटिक सेंटर सियाटिक सेंटर सियाटिक सेंटर मीन्स आपको जो भूख और प्यास लगती है कौन बताता है आपका ये वो जगह है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है ठीक है तो हाइपोथैलेमस सियाटिक सेंटर है टेम्परेचर मेंटेन करता है आपकी बॉडी का पीएच आयन का बैलेंस होता है ये भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है तो टेम्परेचर हमेशा याद रखना है टेम्परेचर और सियाटिक सेंटर जो मेन पार्ट ऑफ द जो आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके हाइपोथेलमस दूसरा आपको भूख प्यास यू नो आपको ड्रिंक करना है तो दैट इज कॉल्ड अ सियाटिक सेंटर ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपके किसमें आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया था आपको ड्रिंकिंग और फूड नहीं लिखा था आपको सियाटिक सेंटर लिखा था तो आपको सियाटिक का मतलब पता होना चाहिए ठीक है हाइपोथेलमस कंटेन्स क्या न्यूरॉन्स जो हाइपोथेलमस में है वो सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो जाता है जिसे आप क्या कहते हैं न्यूक्ली कहते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे न्यूक्ली तो ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स विच आर स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन इज कॉल्ड एज न्यूक्ली तो आपके पास दो तरह के न्यूक्ली होते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली और पैरा न्यूक्ली न्यूक्लियर एसओ और पी तो हाइपोथैलेमस में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विच आर हेल्प इन सिक्रीशन और सिक्रीटरी और ये क्या किसका सिक्रीशन करती हैं हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं बेटा आपको बता दूँ हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन नॉट अ एंडोक्राइन ग्लान हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लान नहीं है ये पार्ट ऑफ ब्रेन है हाइपोथैलमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन नॉट ए एंडोक्राइन ग्लान यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स थी जो स्पेशलाइज्ड हो गए फॉर द सिक्रेशन तो आपको याद रखना है बॉडी का टेम्परेचर साइटिक सेंटर कौन मेंटेन करता है हाइपोथैलमस अब बेटा आपको मैं एक और चीज बताना चाहूँगी आपके हाइपोथेलमस के पास हमने देखा है हाइपोथैलेमस के पास हमने देखा है कि आपका जो फॉरब्रेन होता है फॉरब्रेन होता है यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ़ न्यूरॉन्स होते हैं ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होती है इसे आप न्यूक्ली भी कहते हैं इसे आप न्यूक्ली भी कहते हैं ये न्यूक्ली जब हाइपोथैलेमस के साथ मिल जाती हैं तो ये आपका एक सिस्टम बनाती है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं तो बेटा प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान रखना देयर इज अ लिम्बिक सिस्टम देयर इज अ लिम्बिक सिस्टम देयर इज अ लिम्बिक सिस्टम अब लिम्बिक सिस्टम क्या है तो आपके फॉरब्रेन में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है दो, दो मिनट बेटा क्या क्वेश्चन है आप रिपीट कर दो क्वेश्चन ओके एक बच्चा पूछ रहा है मैम लिम्बिक सिस्टम क्या है बेटा वही बता रहे हो दो सेकंड रुक जा ओके जस्ट अ सेकंड बेटा क्वेश्चन जस्ट uh, ये सॉल्व कर लूँ फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लिम्बिक सिस्टम क्या है उसने कहा आपका ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपका जो हाइपोथैलेमस है ना हाइपोथैलेमस ये जो न्यूरॉन्स है या हाइपोथैलेमस का जो पोर्शन है यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुप ऑफ न्यूक्ली है ग्रुप ऑफ न्यूक्ली और ग्रुप आप ये ग्रुप ऑफ न्यूक्ली या आप जानते हैं व्हाट इज न्यूक्ली आपको पता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ओके हमने देखा जब हाइपोथैलमस ग्रुप ऑफ न्यूक्ली ऑफ फॉरब्रेन एफ बी ब्रेन मिल जाती हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है तो लिम्बिक सिस्टम इज़ फॉर्म वेन हाइपोथैलोमस इज मिक्सड विद द ग्रुप ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन द फॉर्ब्रिन तो पूरे फॉर्ब्रेन में ग्रुप ऑफ न्यूक्ली है मतलब ग्रुप ऑफ न्यूक्ली न्यूक्मस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जिसे न्यूक्ली कहते हैं तो जब वो हाइपोथैलोमस से मिल जाते हैं तो ये आपका लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये लिम्बिक सिस्टम क्या है तो लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का पार्ट है लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है ब्रेन का पार्ट है और यह आपका इमोशन को कंट्रोल करती है इमोशन को कंट्रोल करती है इट इज इमोशन सेंटर तो जब आपको कभी बहुत गुस्सा आता है जब आपको किसी के ऊपर बहुत इमोशनल प्यार आता है और जब आप अपनी चीजें पुरानी चीजें याद कर रहे होते हैं और आपकी बॉडी में इमोशनल जाए गुस्सा हो गया एंजाइटी हो गई एंगर हो गया ये सब कौन मेंटेन करता है लिम्बिक सिस्टम सो लिम्बिक सिस्टम हमेशा याद रखना फॉर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस में ग्रुप ऑफ न्यूक्ली या ग्रुप ऑफ सेल बॉडी या न्यूक्ली जब मिल जाएंगी तो वो लिम्बिक सिस्टम बनाएगा लिम्बिक सिस्टम इमोशनल सेंटर होता है इमोशन सेंटर तो एंगर रेग फ्रस्टेशन एनजाइटी ये सारी चीजें कंट्रोल करती है तो आप समझ में आया लिम्बिक सिस्टम क्या है हाँ लिम्बिक सिस्टम समझ में आया तो बेटा लिम्बिक सिस्टम पेज नंबर थ्री ट्वेंटी थ्री टू वन निकाल निकाल लीजिए ओके तो लिम्बिक सिस्टम हमेशा आपसे पूछा है तो अब आप आपसे क्वेश्चन पूछता है ओके तो इनर पार्ट ऑफ अब आपको हाइपोथेलमेस नहीं है, समझ में आ गया अब देखिए बेटा अब आपसे क्वेश्चन पूछता है ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है यहां पे होता क्या है तो आपके पास है लिम्बिक सिस्टम आपके पास है लिम्बिक सिस्टम तो ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है इसमें है आपका एमिक एंड हिपो तो आपको याद रखना है लिम्बिक सिस्टम से क्या पूछेगा कि लिम्बिक सिस्टम बनता कैसे है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉरब्रेन का पार्ट है मैम क्या अगर क्वेश्चन में लिखा है या सेल कॉर्टेक्स तो आप लिखेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर वाला मींस हाइपोथैलेमस थैलेमस टिक कर सकते हैं विद द न्यूक्लियस ऑफ द फोरब्रेन तो वो लिम्बिक सिस्टम बनाएगा ठीक है ये तो आपको समझ में आ गया कहाँ प्रेजेंट है पहला क्वेश्चन पूछेंगे तो आप फोरब्रेन टिक कर देना दूसरा आपसे पूछेंगे व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम तो आपको लिखना है एमिग्डाला एमिग्डाला और दूसरा क्या है हिप्पोकैंपस पो कैंपस तो बेटा आपका हिपो कैंपस का काम क्या होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिपो कैंपस कन्वर्ट करती है ये एमिक डेला क्या होता है इमोशन सेंटर होता है इमोशन सेंटर होता है आपको गुस्सा आपको प्यार ये सारी चीज़ें दिलवाएगा लिम्बिक सिस्टम से तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ये क्या कंट्रोल करता है इमोशन सेंटर और ये मेमोरी सेंटर्स भी कह सकते हैं ठीक है तो फॉर ब्रेन एमिक डेला हिपो कैंपस एंड तीसरा ये इमोशन सेंटर को कंट्रोल करता है अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ एनी क्वेश्चन यू टू आस्क ह इमोशनल सेंटर आमन सिचुएट हिपो आमन स्टिमुलेट हिपोकैंपस ओके नहीं यस मैम नो मैम क्लियर मैम दैट्स नाइस दैट्स नाइस मैम एमसीक्यू बेटा स्पेशल क्लास में आप आ रहे हो आज सारे स्टूडेंट्स सुन लो पहले व्हाट इज स्पेशल क्लास आप अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे जाएंगे या नहीं आप टाइप करेंगे अनअकैडमी ऐप हम अब अनअकैडमी आपने आप टाइप किया तो आपको क्या मिलेगा आपको

मैम हिम्पो कैंपस पी में पूछा गया है ना बिल्कुल गौरव जी पूछा गया है ओके okay, बेटा चलिए अब जल्दी से छह बज गए हैं छ बज गए हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटा अब भी नहीं जैसे ही इसके बाद ये खत्म हो जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन uh, भी आ जाएंगे ओके okay? तो चलिए अब ये वाला पोर्शन हो गया आपका अब हम बात करने वाले हैं आपका मिड ब्रेन का तो आपसे बेटा मिड ब्रेन पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है थैलमस एंड हाइपोथैलमस मैं मैसेज पढ़ रही हूँ ये जो तुमको लग रहा है ना कि मैम पढ़ा रही है मैसेज नहीं पढ़ रही है तो मैं मारने वाली हूँ ओके okay? तो आपका थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ओके पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको बोलने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए मुझे लिखना पड़ेगा देखिए बेटा ये आपका पूछेगा फॉर ब्रेन का, का काम क्या होता है तो पहली बात तो फॉर ब्रेन प्रेजेंट कहाँ पे होता है आपका थैलेमस आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस है ना थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है तो यहां से बिलो द थैलोमस हाइपोथल और यहाँ पे जो पॉन्स पोर्शन होता है तो आपका बीच में जो चीज है हाइपोथल अब कॉल्ड एज फॉर ब्रेन क्लियर फॉर ब्रेन में क्या होता है फॉर ब्रेन में कॉरपोरा क्वाड्री जेमीना होता है क्वाड्री जेमीना मीन समथिंग इन फोर फोर क्वाड्री क्वाड्री जमीना मीना ओके तो बेटा दो चीजें याद रखना तो आपको देखा गया है फोर स्वेलिंग हुई है इन द केस ऑफ नॉब तो नॉब के हिसाब से कुछ चीज चार स्वेलिंग्स दिखाई जाती है चार नॉब होते हैं मिड ब्रेन में और बेटा आपके पास क्या होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट एक्विडक्ट तो बेटा ये डक्ट होता है जिसके अंदर पानी है तो दो चीजें सर्ब्रल एक्विडक्ट कॉरपोरा क्वाड्री जमीना देख जाए तो मिड ब्रेन हाइपोथाल के बीच और पॉन्स के ऊपर का जो पार्ट होता है वो हिंड ब्रेन फॉर मिड ब्रेन का होता है अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉरपोरा क्वाड्री जमीना क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉरपोरा आपका कॉरपोरा कॉर्पोरा कॉर्पोरा कु जमीना कुछ नहीं चार स्वेलिंग्स होती है मिड ब्रेन में अब ऊपर की जो स्वेलिंग होती है वो बिग होती है इसे सुपेरियर सुपेरियर क्वाड्री जमीना कहते हैं स्मॉल नीचे वाली जो होती हैं उसे इंफेरियर इन्फेरियर क्वाड्री जमीना कहते हैं तो दिस इज सुपेरियर एंड दिस इज इंफेरियर सुपेरियर क्वाडरी जमीना क्या करती है हेड से आई को कंट्रोल कर दिया हेड है। और आई को साथ में कंट्रोल करेगी मूव करेगी और आपका हेड से ईयर का जो मूवमेंट होता है वो इन्फीरियर क्वाडर मूव करती है अच्छा जब आप किसी से बात करते हो तो आपका सर और आंखें उस तरह होती है सेम उस इंसान के पास होती है कभी देखा कोई इंसान बात कर रहा हो ऐसे बात कर रहा हो और आंखें यहाँ पे हो ऐसा तो बात नहीं होती ना हेड और आंखों का कोऑर्डिनेशन करने का काम है सुपेरियर सुपेरियर क्वाडर और जो हेड और ईयर का जो जो काम है वो आपके इन्फीरियर क्वाडर करने वाली है तो दिस इज़ क्लियर ये क्लियर हुआ ओके पीयूष सेड मैम आई विल कम सची और क्या बोल रही है ए क्या बातें करते रहते हो यार ओके तो ये क्लियर हुआ आपका मिड ब्रेन का पोशन अब हम बात करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंड ब्रेन ओके अब क्या बात करना है आपको अब हम बात करने वाले हैं हिंड ब्रेन के ओके तो अगर बात करेंगे आप हिंड ब्रेन के तो आपके पास होता है पॉन्स पॉन्स फिर आपके पास होता है सेरिबेलम और फिर आपके पास होता है मेड्यूला तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ पॉन्स वाला जो रीज़न होता है इनके पास एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है क्या होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर स्विच ऑफ फॉर ब्रीदिंग होता है स्विच ऑफ करता है इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन को स्विच इन्स् ऑफ करता है अगर हम बात करेंगे सेरिब्रल की तो यहां पे याद रखना है अरबोर अरबोर विटाई विटाई कुछ नहीं है एक डार्क अल्टरनेट डार्क वाइट पैचर पैच प्रेजेंट होती हैं इन टू द सेरिब्रम तो अरबोर विटाई अगर किसी ने लिखा तो सेरिब्रम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेरिब्रम आपके बॉडी के पॉस्चर को मेनटेन करेगी क्या करेगी बॉडी के पॉस्चर को मेनटेन करेगी बॉडी के पॉस्चर को मेनटेन करेगी अरबोर विटाई अरबोर विटाई क्या है आपका यहाँ पे जो सेरिब्रम होता है सेरिबलम होता है ये छोटा सेरिब ब्रम भी कहा जाता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल सेरिब्रम ओके सेरिब्रम भी कहा जाता है अब बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है इन फोल्डिंग इन फोल्डिंग्स तो दोनों में बहुत ज्यादा इन फोल्डिंग है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है अनदर न्यूरॉन्स के लिए तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है सेरिब्रम और सेरिब्रम में दोनों में कॉमन क्या है इन फोल्डिंग्स हमने देखा कि बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है जो सर्फेस एरिया बढ़ाती है फॉर अनदर टू कम एंड अक्यूमडेट ओके ना बेटा वी विल टॉक अबाउट मेड्यूला तो आपको पता है कि आपका जो मेड्यूला पोर्शन होता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स होती है जो रेस्पारेटरी रिदिम्स मेंटेन करती है यह बेटा आपका कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी मेंटेन करेगी और फिर आपका यहां पे वॉमिट सेंटर होता है एंड ऑल चीज़ें आपको पता है तो बहुत ज़्यादा जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमने देखा जो मेड्यूला रीजन होती हैं यहाँ पे जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गन के वाइटल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स जैसे आपके ब्रीदिंग का हो गया आपका एक्सक्रेशन का हो गया और बेटा आपका सर्कुलेशन का हो गया यू नो तो वो मेड्यूला के पास प्रेजेंट होते हैं अब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पार्ट ऑफ न्यूरोन एक पार्ट ऑफ ब्रेन को दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन से जोड़ने के लिए क्रिस क्रॉस दिखाती है तो वो कहाँ पे होता है तो बेटा वो पॉन्ट्स पे टिक कर देना तो हमने देखा कि एक पार्ट ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ ब्रेन बाय क्रिस क्रॉसिंग द न्यूरॉन्स सो ये जो क्रिस क्रॉस होता है ऑफ वन पार्ट विद अनदर वो कहाँ पे होता है तो आप पॉन्ट्स पे टिक करेंगे तो पॉन्ट्स में क्रिस क्रॉसिंग देखी गई है क्लियर तो सेरिब्रम और मेड्यूला पोर्शन भी कवर हो गया अब आपसे पूछा जाएगा वॉट इज अ मड्यूला ओपनस इन टू तो आप स्पाइनल कॉर्ड लिख देंगे कोई प्रॉब्लम है अभी तक यहाँ तक ये सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया ना तो यहां पे अब आपका लास्ट में पूछा जाता है वट इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वॉट इज ब्रेन स्टेम ठीक है वॉट इज ब्रेन स्टेम तो ब्रेन स्टेम विद द विदोथाल आपकी सेक्शुअल एक्टिविटी लेबिडो को कंट्रोल करती है तो सबसे पहले हम कहेंगे ये ब्रेन स्टेम होता क्या है बेटा नीट में ब्रेन स्टेम बहुत बार पूछा गया है नीट में ब्रेन स्टेम बहुत बार पूछा गया बेटा कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो बेटा जल्दी से क्वेश्चन पूछो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन दूसरे मैसेजेस के कारण देख नहीं पा रही कोई भी क्वेश्चन है तो क्लियर करो महिर मनोत्रा ओके okay, मैम क्या है क्वेश्चन पूछो बेटा जल्दी फिर उसके बाद अपन ईयर के फंक्शन और आईज के फंक्शन में आईज तो मैं आज आपको बहुत प्यार से इजीली वे में समझाने वाली हूं ओके ब्रेन स्टेम क्या है मैं बता रही हूं दो मिनट रुको ओके okay. मैम ब्रेन स्टेम क्या है यस क्वेश्चन नो क्वेश्चन अच्छा एवरीथिंग इज क्लियर दैट्स नाइस ओके जस्ट अ सेकंड ओके पहली बात ब्रेन स्टेम ओके ब्रेन स्टेम पॉइंट नंबर 1 आपका मिड ब्रेन मिड ब्रेन होता है मिड ब्रेन मिक्स विद पॉन्स एंड मेडुला अगर मिड ब्रेन को पॉन्स और मेडुला के साथ मिक्स कर देंगे तो आपको ब्रेन स्टेम मिल जाएगा अभी क्लियर हुआ बेटा क्या नाम था इसका अक्षय अक्षय व्हाट इज ब्रेन स्टैम आप अक्षय ब्रेन स्टेम क्या है जब मिड ब्रेन मिक्स विद पॉन्स एंड मेड्यूला दे आर कॉल्ड एज द ब्रेन स्टेम मैम वॉट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम तो ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड बहुत सही लिखा ब्रेन स्टेम का, का काम क्या है तो ब्रेन स्टेम जो है वो बनती है मिड ब्रेन फॉर आपका पॉन्स पॉन्सर मेड्यूला तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बेटा आपसे पूछेगा हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट पॉन्स पॉन्सर मेड्यूला और मिड ब्रेन तो आपको पूरा ही लेना पड़ेगा

ओके, सो इट फॉर्म कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर क्लियर ओके तो क्या आप हम बाहर चले आपके आईज़ पे आ जाए आईज़ के स्ट्रक्चर्स पे हा आईज़ के स्ट्रक्चर्स पे आ जाए बेटा या अब बेटा आईज़ वाले सो तो एक क्वेश्चन मिनिमम बनता ही बनता है तो क्यों ना हम पहले आईज का स्ट्रक्चर्स देख लें ओके सो अब है ये आपका आई का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले समझिए कि जो आई है ये जो बीच का पिंकि स्ट्रक्चर्स है ये आई बॉल की हम बात कर रहे हैं आई जो होता है वो सिचुएट होता है ऑर्बिट ऑफ आई बॉल ये जो आँख में गड्ढा देख रहे हैं उसे ऑर्बिट ऑफ स्कल कहते हैं ठीक है ऑर्बिट तो इसके अंदर आईज रखी होती है तो हमने देखा ये जो बिचल मिडिल वाला पार होता है इसे आप क्या बोलेंगे आई बॉल तो हमने देखा जस्टा सेकेंड ये वाला जो पार्ट है वो आई बॉल की बात करेंगे अब देखिए बेटा आई बॉल की ये वाली जो पार्ट होगी आप इसे पोस्टेरियर पार्ट कहेंगे पोस्टेरियर पार्ट पीछे के तरफ, अब बेटा, अंदर के पार्ट को हम कहेंगे एंटेरियर एंटेरियर ओके सो okay? so, पीछे वाला पोस्टेरियर दिस इज आई बॉल दिस इज एंटेरियर अब पूरा लेक्चर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका ये जो आई बॉल होता है वो थ्री लेयर से कवर होता है आई बॉल जो होता है पूरा थ्री लेयर से कवर होता है वन इज कॉल्ड स्क्लेरा देन रेटिना अब नीट में आपसे पूछा जाता है ये जो पोस्टेरियर में है वो स्क्लेरा तो स्क्लेरा है लेकिन जब वो एंटेरियर में आती है तो वो क्या बन जाती है तो स्क्लेरा कॉर्निया बन जाएगी स्क्लेरा पोस्टेरियर में रहेगी जैसे ही वो एंटेरियर में आएगी स्क्लेरा कॉर्निया तो कॉर्निया इज नथिंग बट स्क्रा इट अब कोरोइड पोस्टेरियर में कोरोइड जो पोस्टेरियर सेकेंड लेयर है वो आपके इंटेरियर में आएगी तो वो सीलेरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी सीलेरी बॉडी बाद में आयरिश में कन्वर्ट हो इरिश में कन्वर्ट हो जाती है इरिश क्या होता है वो जो आपका आई का कलर होता है जैसे मेरी आई का कलर ब्लैक है तो ब्लैक इज ड्यू टू द एरिश पोर्शन ओके सो ये जो कलर पा, होता है जो लेंस होता है आपको दिखता है कि यार मैम का कलर आंखों का ब्लू है तो ब्लू इज ड्यू टू द आरिश पोर्शन ठीक है तो अब तो आप आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये है पोस्टेरियर यह है एंटेरियर तो पोस्टेरियर में जिसको आपने क्रोइड बोला वो बन गया एंटेरियर में सीलरी बॉडी सीलरी बॉडी किसमें कन्वर्ट हो रही है आयरिश में आयरिश ईरिश आयरिश जो भी बोलते हैं मैं तो ईरिश बोलूंगी तो अब ये जो ईरिश होता है वो ओपैक होता है और कलर्ड होता है तो ध्यान रखना तीनों लेयर में से जो कलर्ड लेयर होगी वो क्रोइड होगी तो क्रोइड में ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं और इसके वजह से ये ब्लूइश अपियरेंस देती है अगर आगे इंटेरियर में आएगी तो वो सीलरी बॉडी बन जाएगी और आयरश ईरश और ईरस में क्या होता है पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये ओपैक होती है लेकिन पिगमेंटेड होते हैं अब बेटा ईरश के अंदर क्या होती है ईरश के अंदर होती है लेंस तो ये जो लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है अब आपको क्वेश्चन पूछा

जो पोस्टेरियर प्लेस है आइस का वहाँ पे कंटिन्यूस कवरिंग नहीं है एक जगह यहाँ पे गड्ढा होता है एक जगह यहाँ पे क्या होता है गड्ढा होता है होल होता है जिस होल में से क्या आती है आपका ब्लड वेसल्स आता है बेटा आइस को भी ब्लड चाहिए तो एक जगह तो आपको कैविटी रखनी पड़ेगी तो इस जगह पर जहाँ पर कैविटी होती है यहाँ से एंटर करती है ब्लड वेसल और आँखों में जो आपकी नर्व होती है वो एग्ज़िट करती है तो रेटिनल नर्व एग्जिट करेंगी और आपके ब्लड वेसल अंदर जाएंगे तो एक जगह जहां पे होल होता है यहां पे हमने देखा कि रेटिना अपसेंट होता है रेटिना नहीं प्रेजेंट होता है और इस जगह को हम क्या कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे तो बेटा रेटिना इनर मोस्ट लेयर होता है और यहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो रेटिना इमेज के फॉर्मेशन की हेल्प करती है तो अभी हमें याद रखना है एक जगह रेटिना नहीं था और जिस स्ट्रक्चर को आपने ब्लाइंड स्पॉट कहा है क्लियर तो ब्लाइंड

आउट पोर्शन ऑफ रेटिना इन टू दुस्टे पोस्टेरियर लोकेशन अभी आपको याद रखना है तो आप इसे फोविया कहते हैं और बेटा यहां पे येलो कलर का एक एरिया होता है जिसे मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटे तो मैक्यूला ल्यूटिया एक येलो कलर का एरिया होता है जहां पे फोविया प्रेजेंट होता है ठीक है तो फोविया क्या है डिप्रेशन है रेटिना में डिप्रेशन होता है छिला मतलब अंदर की तरफ डिप्रेशन होता है मतलब क्या यहां पे कुछ चीजें अपसेंट होती हैं तो क्या अपसेंट होती है रॉड्स यहाँ पे अपसेंट होती है सारे कॉन्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो अब क्या बताए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वट इज द फंक्शन ऑफ फोविया तो आपको दिमाग में फोविया से याद रखना है विजुअल एक्यूटी विजुअल एक्यूटी मीन्स यहाँ पे आपकी इमेज जो होती है हाईली रिजॉल्व्ड होती है रेजोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है वट इज रेजोल्यूशन विट अ क्लैरिटी ऑफ इमेज Is as तो आपका जो रेजोल्यूशन पावर होता है आपकी आंखों का पॉइंट mm होता है. अगर दो होते है और वो पॉइंटेंस mm में हो, तभी आप उसे दो स्पॉट mm तो नहीं कहेंगे उसको फ्यूज इमेज कहेंगे तो फोविया में विजल एक्टी होती है हाइएस्ट रेजोल्यूशन होता है इमेज को आप आसानी से डिटेल वे में जूम आउट जूम इन कर सकते हैं क्लियर तो यह आपको क्लियर हो

मैम आप ट्रिक दो ओके जस्ट अ सेकेंड ओके आई विल गिव यू अ ट्रिक जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड क्या कोई क्वेश्चन है अभी तक अभी कोई क्वेश्चन है क्या यहां पे इतना तो क्लियर हो गया होगा ना बेटा पेयोश मार खाओगे? फालतू बात है नहीं हां बेटा क्वेश्चन पूछो वी इंडियंस ने लिखा है वन क्वेश्चन बोलिए बेटा महीर वही ट्रिक देने वाली हो जस्ट रुको चार्ट देने वाली हो आयरिश जो है वो खुद कोरोइड का एक्सटेंशन है सीलरी के सीली सीलरी बॉडी का एक्सटेंशन हो जाएगा आयरिश नो नेम ने लिखा मैम मुझे सब कुछ अच्छा सा बेटा यार आप लोग नाम चेंज कर लो यार नाम ही चेंज नहीं करते हो आप मैम आई वॉन्ट टू थैंक यू आपके वजह से मेरे को फर्स्ट टर्म में फोर्टी सिक्स ऑफ फिफ्टी आए हैं पूरे क्लास में फ़ोन में चीटिंग क्या लिखा है ये फोन में चीटिंग करे थैंक यू सो मच द फनी एडिटर दैट अनफनी एडिटर ने लिखा है कि मैम आपकी वजह से मार्क्स आए हाई सो स्वीट ऑफ यू सो आप से गुड बाय ये क्या लिखा है मैम यश को ब्लॉक करो ओके आई विल डू यश क्या कर रहा है बेटा दो फोविया एंड शॉरिस बेहरा ने कहा फोविया करेक्ट अब शुरू करें लेक्चर शुरू करें हाँ अच्छा ठीक है मुना मुना हम इसको ब्लॉक कर देंगे ठीक है ओके क्वेश्चन शुरू कर रही हूं मैं ओके जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड बेटा जुकाम बड़ा गंदा हो गया मुझे पानी भी खत्म हो गया चलिए शुरू करते हैं लेक्चर ओके okay? अब आप पूछेंगे कितना टाइम हो गया सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन हो गया शर्ट अभी हमारा पूरा चैप्टर बाकी है ओके okay, चलिए देखिए अगर हम बात करेंगे आई की बेटा प्लीज अच्छे से सब लोग ध्यान दो आपकी आई है तो आई जो है वो तीन लेयर में डिवाइडेड है आपकी अगर हम आई बॉल की बात करते हैं तो आई बॉल तीन लेयर में डिवाइडेड है इसको कहेंगे आप स्क्लैरा स्क्लेरा बीच वाले को कोरोइड कहेंगे और तीसरे को आप क्या, 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 क्या कहेंगे रेटिना 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 बेटा इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखो और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ठीक है प्लीज बिल्कुल ध्यान रखो आई बॉल जो है तीन लेयर से कनेक्टेड है सबसे जो आउटर लेयर होती है उसे स्क्लेरा कहते हैं जो मिडिल लेयर होती है इसे कोरोइड कहते हैं जो रेटिना होती है वो इनर लेयर होती है रेटिना क्या होती है इनर लेयर होती है अब ध्यान रखा बेटा स्क्लेरा जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है जो आपके अगर हम बात करेंगे पोस्टेरियर में पोस्टेरियर में तो ये स्क्लेरा होती है और ये फाइव फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है आउटर लेयर होती है ठीक है अगर आप इसे एंटेरियर पे पर लेके जाते हैं तो यही स्क्लेरा कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाती है तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है स्क्लैरा पोस्टेरियर में स्क्लैरा कहलाती है एंटेरियर में यही कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाती है दैट इज ओनली टू थिंग यू हैव टू रिमेंबर क्लियर ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी आउटर कवरिंग अब बता बात आपके आती है क्रोइड से तो क्रोइड जो होता है वो ब्लूइश अपियरेंस लेके आता है ब्लूइश ब्लूइश अपियरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं आपके ब्लड वेसल्स ड्यू टू द इनर वेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ये ब्लूइश स्ट्रक्चर लेके आता है पूरे आंख में ये पिगमेंटेड एरिया होता है ना आपका रेटिना पिगमेंटेड है ना आपका स्क्लैरा पिगमेंटेड है द पिगमेंटेड पोर्शन इज कॉल्ड एज ड्यू टू द ब्लू ब्लूइश अपियरेंस होता है क्यों क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स यहां पे लगी हुई है अब बेटा आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोइड से अब देखे बेटा ये जो क्रोइड पोर्शन होता है आपका पोस्टेरियर पोस्टेरियर मीन पीछे पी फॉर पोस्टेरियर पी फॉर पीछे पीछे और यहाँ पे फिर आपका है एंटेरियर तो बेटा आपका जो पोस्टेरियर होता है वो कोरोइड होता है और यहाँ पे ये थिन लेयर होती है यहाँ पे ये थिन लेयर होती है याद रखना पोस्टेरियर कोरोइड थिन लेयर प्लीज़ ध्यान दे दो मस्ती मजाक बाद में कर लेना थिन वाला जो पोर्शन होता है उसे पोस्टेरियर कहते हैं कोरोइड होती है और ये थिन लेयर की होती है ठीक है आप जैसे इंटेरियर में आते हैं कोरोइड थिक हो जाएगी और ये कोरोइड लेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी सीलरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी सीलरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर सीलरी बॉडी भी पिगमेंटेड होते हैं सीलरी बॉडी आगे और बढ़ेगी और वो में कन्वर्ट हो जाएगी एरिश में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है आरेश में कन्वर्ट हो जाएगा एंटेरियर देखिए पोस्टेरियर में वो कोरोइड था एंटेरियर में आके वो थिक हो जाएंगे क्वेश्चन पूछेगा कोरोइड थिन कहाँ क्या है तो पोस्टेरियर में वो थिन लेयर है अंदर की तरफ एंटीरियर की तरफ मूव करेगी तो वो थिक हो जाएगी और वो सीलरी बॉडी में पहले कन्वर्ट हो गए सीलरी बॉडी के बाद वो आयरिश में कन्वर्ट हो जाएगा आयरिश हमेशा याद रखना ओ होता है ओ होता है ओ होता है और कलर्ड होता है कलर्ड होता है जो भी आपके आंखों का कलर है ड्यू टू तो द प्रेजेंस ऑफ एयरस अब देखिए बेटा आपसे ईरस से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरस तो सबसे पहले बात तो ईरस जो है नीचे आपके लेंस को लेंस के आपका ईरिश बाहर है अंदर की तरफ लेंस होता है अब बेटा लेंस में आपके पास ये जो लेंस होता है यहाँ पे अंदर की तरफ प्यूपिल होता है लेंस के अंदर की तरफ प्यूपिल होता है अब प्यूपिल का क्या होता है डायामीटर प्यूपिल का क्या होता है डायामीटर सो so, याद रखना है सीलरी बॉडी कन्वर्ट इन टू अब आयरिश का नीचे क्या फंक्शन है आयरिश के अंदर क्या है आपका लेंस दिखेगा ईरज के अंदर आपको लेंस दिखेगा अब लेंस के जो लेंस की गार्डिंग करती है वो प्यूपल करती है अब प्यूपल का एक डायामीटर होता है कभी ये प्यूपल छोटा होगा कभी प्यूपल बड़ा होगा अब देखिए बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो प्यूपल है जो गार्ड कर रहा है आपके लेंस को अब पहली बात यह लेंस क्या होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है ईरज क्या होता है ओपैक एंड कलर्ड होता है ये जो लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन होता है क्रिस्टलाइन होता है और कैसा होता है ट्रांसपेरेंट होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपेरेंट होता है लेंस की गार्डिंग करती है प्यूपल अब क्वेश्चन पूछेगा प्यूपिल का डायामीटर कौन रेगुलेट करता है तो प्यूपल का जो डायामीटर होता है वो आयरिश मसल करते हैं तो आपको याद रखना पीछिए ईरश की जो मसल होती है वो प्यूपल का डायामीटर कम ज्यादा करेगी ये नीट में क्वेश्चन आता ही आता है तो कौन डायमीटर प्यूपल का डायमीटर कौन रेगुलेट करेगा आप लिखेंगे एरश ओके तो एरश इज द मसल ईरश की जो मसल होती है आयरिश जो ईरश जो भी आप बोले इसकी जो मसल होती है वो प्यूपल की डायमीटर को रेगुलेट करती है अब बेटा आपकी जो सीलरी बॉडी होती है वो लेंस को होल्ड करती है बाई अ लिगमेंट कॉल्ड अ सस्पेंसरी लिगमेंट तो सीलरी बॉडी से याद रखना है आपको सस्पेंसरी सस्पेंसरी लिगमेंट सस्पेंसरी लिगमेंट वॉट इज

क्यों क्योंकि वहां पे एक लेंस होते हैं लेंस के पास जो एक अपैरिचर होता है उसे प्यूपल कहते हैं अब प्यूपल का डायोमीटर आयरिश मसल रेगुलेट करें दूसरा आपके जो लेंस होती है वो सीलरी बॉडी से अटैच है बाय अ सस्पेंसरी लिगमेंट ऑफ द सीलरी बॉडी तो ये भी आपका प्रोकाशन पूरा हो गया आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द लेयर शोज द पिगमेंटेशन तो सारी जो क्रोइट की लेयर है जो एक्सटेंशन करके आई है पूरी सब के सब कलर्ड होते हैं अब हम बात करें हैं आपके रेटिना के अब हम बात करेंगे किसकी आपके रेटिना के तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ रेटिना जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और इसके पास थ्री टाइप की लेयर होती है कैसी होती है इनके पास थ्री टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं ठीक है न्यूरनल लेयर होते हैं तो रेटिना के अंदर तीन लेयर होती है तीन लेयर होती है और यहाँ पे ये यह सब के सब न्यूरोन्स से अटैच होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तो रेटिना वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जल्दी से एक्टिव हो जाओ बेटा रेटिना रेटिना टाइप्स ऑफ सेल वेरी नाइस वेरी नाइस आप जो क्वेश्चन पूछेगा मैं बताती हूँ अजय आदि अजय आदि क्या रिप्लाई नहीं कर रही हूं बेटा पढ़ाना भी तो है अजय आदि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन क्लास आज आपका एम यश ब्लॉक करो ना अरे बेटा ब्लॉकिंग इज नॉट माई इन टू हैंड जल्दी से मेरे पास टाइम नहीं है अभी आपका पूरा केमिकल कंट्रोल का बाकी है सो so, देखिए बेटा ये जो रेटिना होता है अब आपको ध्यान रखना है रेटिना के पास थ्री टाइप्स की सेल्स होती है तो आपके पास थ्री टाइप्स की सेल्स होती है अब आपसे पूछता है कि क्या है इनर से आउटर इनर से आउटर तो हम कहेंगे ये है आपकी इनर ठीक है इनर से आउटर आउटर क्लियर अब बेटा इनर आउटर तो क्या लिखेंगे नर आई ठीक है अब देखिए गैंगलियन गैंगलियन ओके देन फिटा फिर आपका बाईपोलार और फिर आउटर दैट इज कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर सो आई जी बी ओ पी ओके आई जी बी ओ पी आई जी इनर गैंगलियन बाई आउटर फोटो रिसेप्ट आउटर फोटो रिसेप्ट अब क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम कैसे रिमेंबर करना है अरे बेटा वही तो ट्रिक बता रही हो आप जल्दी से खोल दो पेज नंबर तो जल्दी से बताओ पेज नंबर खोलो टू टू थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फोर खोलो हाँ इन साइड से आउट साइड यहां पर लिखो थ्री ट्वेंटी फोर पे आई एम पी वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन साइड से आउट साइड की तरफ अब बहुत सारे बच्चों को यह सीक्वेंस याद नहीं होता अरे क्यों नहीं याद होता कितना ईजी है आउटर का ओ फोटो रिसेप्टर का ओ ओ ओ ओ कितने आउटर ओ अब देखिए बेटा इनर आई गैंगलियोनिक आई है ना आई है ना तो जो गैंग्लियोनिक सेल है वो इनर है तो इनर अरेंजमेंट बाईपोलार मिडल एंड आउट ऑफ फोटो रिसेप्टर सो इनर से आउटर इनर इनर से मैम ने बोला आई याद रखना है गैंग्लियन में आई आता है आउटर में फोटो रिसेप्टरस आते हैं अब बेटा अब हम बात करने वाले हैं इनर से आउटर वाला हो गया अब जो दूसरा क्वेश्चन है समझ में आया क्या ट्रिक समझ में आई येस yes. अब देखिए बेटा फ़ोटो रिसेप्टर्स आपके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स अब देखिए बेटा फोटो रिसेप्टर्स के अंदर फोटो पिगमेंट्स होते हैं आपको क्या रखना है याद फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर्स के अंदर फोटो फ़ोटो पिगमेंट्स होते हैं और ये जो फोटो पिगमेंट्स हैं उनका काम है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना कलर को ट्रैप करना तो हमेशा याद रखना फोटो रिसेप्टर्स के अंदर फोटो पिगमेंट्स होते हैं और ये पिगमेंट्स क्या होंगे एक्टिवेट होंगे तो फोटो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होगा ये आपके दिमाग में होना चाहिए फ़ोटो रिसेप्टर्स के अंदर फोटो पिगमेंट्स होता है फ़ोटो पिगमेंट्स का काम है एक पर्टिकुलर लाइट को ट्रैप करना लाइट एनर्जी uh, uh, को ट्रैप करना अब देखिए फोटो रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स रॉड्स एंड कॉन्स ध्यान से सुनिएगा आपको ट्रिक के साथ चीजें याद हो जाएंगे अब देखिए रॉड्स एंड कॉन अब बेटा रॉड्स किसके लिए लिखे रात आर फॉर रॉड्स आर फॉर रात तो वो जो नाइट का विजन होता है जब आप रात में उठते हैं आप देखते हैं आपको सब ग्रे ग्रे दिख रहा होता है तो वो किसके वजह से होता है वो रॉड्स के वजह से तो रॉड्स से रात याद करना है ठीक है तो इसको कौन सा विजन कहते हैं ट्वालाइट विजन कहते हैं ट्वा लाइट विजन कहते हैं ओके ट्वालाइट विजन कहते हैं इसको नाइट विजन कहते हैं ओके नाइट में जो फोटो रिसेप्टर काम करती है इमेज रिसीव करती है उसे रॉड्स कहेंगे अब बेटा कौन से आपको सी से डे में कन्वर्ट करना है तो जो डे लाइट होती है डे लाइट जो होती है जैसे इसको टॉपिक दीजिए और जो आपको दिन में जो कलर्ड कलर्ड इमेज लगती है तो सी फॉर कौन सी फॉर कलर्ड इमेज ओके सो डे लाइट जो जो डे में लाइट आती है जो लाइट डे में जो लाइट है उसके वजह से आपको कलर इमेज मिलता है कौन रिस्पांसिबल है कौन सो सी फॉर कौन सी फॉर कलर जो डिफरेंट सेंसेशन ऑफ कलर है दिटो कौन रॉड रात में दैट इज टू लाइट ओके तो कौनस को क्या कहेंगे फोटोपिक विजन डे लाइट ओके रॉड्स को टू लाइट स्कोटोपिक विजन रात का ओके डे में डे में फोटोन फोटोपिक विजन डे लाइट ये क्लियर रहेगा क्लियर रहेगा कि नहीं तो आपके पास दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रॉड्स एंड कौन अब बेटा रॉड्स एंड कौन तो फोटो रिसेप्टर है मैंने बताया फोटो रिसेप्टर किससे बनती है फोटो पिगमेंट से बनती है फोटो पिगमेंट से बनती है फोटो पिगमेंट से बनती है आपके पास याद रखना रॉड्स एंड कौन है रॉड्स रात के लिए रात के विजन को क्या कहते हैं ट्वलाइट कहते हैं नाइट विजन यहाँ पे कौन सा कलर फॉर्मेशन होता है ग्रे कलर आप रात में उठते हो तो भी भी आपको विजन आ रहा होता है ना दिखता है ना ग्रे कलर का ब्लैक एंड व्हाइट तो दिखता नहीं है ग्रे कलर का विजन होता है रात में बंद कर दो लाइट फिर पे भी आपको पता होता है ना कि यहाँ पे वॉशरूम है यहाँ पे किचन है तो ये ग्रे कलर का इमेज फॉर्म करिए रॉड कलर्ड विजन डे लाइट इसको क्या बोलते हैं फोटोपिक विजन इसको स्कोटोपिक विजन ओके अब देखिए अब रॉड्स एंड कॉन्स जो फोटो रिसेप्टर है उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं अब कौन सा पिगमेंट होता है रोडोप्सिन तो रॉड के अंदर क्या है रोडोप्सिन ओके रोडोप्सिन रोडोप्सिन पिगमेंट है तो फोटो पिगमेंट क्या है रोडोप्सिन रोडोप्सिन क्लियर ऑप्सिन ऑप्सिन अलग है रोडोप्सिन ये क्या है विजुअल पर्पल तो आप इसे रोडोप्सिन तो रॉड के अंदर जो पिगमेंट होता है उसे रोडोप्सिन कहते हैं इसे विजुअल पर्पल भी कह सकते हैं ये एक पिगमेंट होता है ठीक है ओके ओके रोडोप्सिन एक आपका यहाँ पे रेटिनल प्रोटीन भी कह सकते हैं आपका रेटिनल प्रोटीन रेटिनल और ऑप्सिन भी कह सकते हैं आप सेपरेट अगर कहना चाहें तो पिगमेंट कौन से होते हैं ऑप्शिन और रेटिनल ये अब आपसे पूछा जाएगा कि ये रेटिनल क्या है तो पहली बात तो ऑप्शिन देख लेते हैं तो बेटा ऑप्शन एक प्रकार की प्रोटीन होती है तो ऑप्शिन हमेशा रेटिनल से अटैच होती है अब ये रेटिनल क्या होते हैं ये डेरीवेटिव ऑफ वाइटमिन ए होते हैं ठीक है तो इट इज़ अ वाइटामिन ए डेरिवेटिव रेटिनल डेरिवेटिव ए क्वेश्चन आ रहा है क्या कोई जल्दी से बताओ क्वेश्चन है क्या कोई ओके okay. जल्दी से कोई क्वेश्चन है अभी तक ये क्लियर हुआ नाइस 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 ओके तो मैंने कहा आपके पास क्या है आपके पास है रेटिना है कि नहीं है रेटिना के पास क्या है तीन लेयर है सबसे पहली बात तो इनर यहाँ पे इनर लिख दीजिए यहाँ पे आउटर आउटर से क्या याद रखना है ओ तो दैट तो इज तो फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर्स क्या है आपके रॉड्स एंड कॉन्स है है ठीक अब रॉड्स एंड कॉन्स के अंदर क्या होता है फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है अब फोटो पिगमेंट्स क्या है आपके पास है रोडोप्सिन रोडोप्सिन जिसे विजुअल पर्पल भी कहते हैं विजुअल पर्पल भी कहते हैं कहते हैं कि नहीं है ओके okay. अब बेटा अगर हम बात करें दूसरे प्रेगमेंट की तो आपके पास है रेटिनल रेटिनल जो कि अल्डी रेटिनल जो कि वाइटामिन ए का डेरिवेटिव है और फिर है आपका ऑप्शन तो ऑप्शन और रेटिनल पास में चिपके होते हैं क्लियर क्लियर ये बात क्लियर है कि नहीं है ओके okay. अब बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही ऑप्शन और रेटिनल एक दूसरे से सेपरेट होंगे आपके दिमाग को मैसेज आएगा कि भाई कुछ तो लोचा है कुछ तो लोचा है तो आपको हमेशा याद रखना है फोटो रिसेप्टर के अंदर फोटो पिगमेंट है फोटो पिगमेंट्स क्या होते हैं रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल जो दो तो प्रकार की प्रोटीन याद करना है ऑप्सिन और आपका वाइटमिन ए रेटिनल तो ऑप्सिन और रेटिनल जनरली साथ में चिपक के रहते हैं जैसे ही लाइट आती है जैसे इंपल्स आता है ये दोनों सेपरेट होंगे और अब आपका क्या होगा इंपल्स जनरेट होने लग जाएगा जनरली ये साथ में रहना पसंद करते हैं ये क्लियर हो गया ओके okay. अब यहां पे आपसे क्वेश्चन अब रेटिना से इतना तो आपको समझ में आ गया है अब बेटा जो भी इंपल्स जनरेट होगा वो आप किसको दिया जाएगा सेल्स सेल्स को दिया जाएगा बाई पोलार सेल्स ये मैसेज किसको देगी को देगी और ये गैंगलियस अब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा ब्रेन के पास जाएगा और कहेगा कि यार इस को इमेज को आपके ब्रेन के पास क्या है आपके ब्रेन के पास है विजुअल कॉर्टेक्स विजुअल कॉर्टेक्स ये पार्ट है आपके ब्रेन का जो इमेज को याद करता है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी क्लियर आपको ये याद रखना है कि आउटर प्रोटीन में आउटर सॉरी आउटर लेयर में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जैसे लाइट आती है इन रिसेप्टर्स पे पड़ती है और फोटो पिगमेंट्स क्या हो जाते हैं फोटो पिगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं रेटिनॉल ऑप्शन जो साथ में थी लाइट आने की वजह से सेपरेट हो गए जैसे ही ये सेपरेट होंगे क्या होगा मैसेज दिया जाएगा बाईपोलार सेल से गैंगलियन्स को गैंगलियस जो है वो रेटिनल नर्व्स को लेके बाहर जाएगा ब्रेन के पास और कहेगा बॉस ये जो है ना इम्पल्स ये जो ब्रेन में मैसेज है ना उसको तुम रिकॉल करो क्योंकि ये इमेज आप अपने ब्रेन में आपको फॉर्म करनी है जो पे भी लाइट का सेंसेशन रेटिना में आता है वो बाईपोलार सेल से गैंग्लियन को जाता है गैंग्लियन कनेक्टेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से और ब्रेन में एक जगह होती है विजुअल कॉटेक्स वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है मीन्स इमेज को रिकॉल किया जाता है और उसका फॉर्मेशन देखा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है तो रेटेना ऑप्शन से सेपरेट होगा ये पॉइंट क्लियर हुआ ओके okay. अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी आपके रेटिना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है रेटिना की जो लेयर होती है जो आपके पोस्टेरियल लेयर होती है पोस्टेरियल लेयर होती है यहाँ पे एक जगह रेटिना नहीं प्रेजेंट होता है क्यों क्योंकि यहां से ब्लड वेसल आ रही है और आपकी रेटिनल रेटिनल नर्व्स रेटिनल नर्व्स जा रही है तो इस जगह में जहां पे आपका रेटिना नहीं प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर्स एक्चुअली यहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट है फोटो रिसेप अब्सेंट है रॉड्स और कॉन्स अब्सेंट है तो आप इस जगह को क्या कहेंगे ब्लाइंड कहेंगे. कहेंगे? डिप्रेशन होता, होता है यहां को आप कहेंगे फोविया तो फोविया इज अजिप्रेशन होता क्या है यहाँ पे रॉड्स अपसेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट होते हैं अब कॉन्स के प्रेजेंट होने रॉड्स आर एब्सेंट और ओनली कॉन्स आर कॉम्पैक्टली पैक इस लोकेशन को येलो कलर का लोकेशन होता है जहां पे फोविया होता है इसे मैक्यूला मैक्यूल लुठे बोलते हैं मैक्यूल लुठे ओके okay? और ये येलो कलर का पोर्शन होता है जिसके अंदर डिप्रेशन होता है फोविया कहते हैं अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फोविया में ऐसा क्या है तो आप लिखेंगे फोविया एक ऐसी जगह है जहाँ पे रॉड सब्सेंट है कौनस प्रेजेंट है और ये विजुअल एक्यूटी देती है तो आपसे पूछा जाता है वॉट इज विजुअल एक्यूटी विजुअल एक्यूटी विजुअल एक्यूटी मीन्स यहाँ पे रेजोल्यूशन हाइएस्ट होता है मीन्स हाई डेफिनेशन आपको पिक्चर फॉर्मेशन होते है तो विजुअल रेट मींस हाई डेफिनेशन आपको क्या होता है आ, आ, इमेज का फॉर्मेशन होता है ओके okay? अब ये क्लियर हो गया ओके okay, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन मैकेनिज्म ऑफ विजन ओके क्या कोई क्वेश्चन है क्या ओके okay. चलिए अब मैम टाइम हो गया 6:45 हो गया अरे यार 7:30 बजे तक लेक्चर है क्यों टेंशन ले रहे हो साढ़े चार से तो स्टार्ट किया है टेंशन मत लो सब अच्छे से होगा सब अच्छे से होगा ओके okay. अच्छे से पढ़ना चाहिए नहीं तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पढ़ो तो एकदम दिल लगा के पढ़ो क्लियर ओके अब देखिए विजन कैसे होता है सबसे पहले तो आपका लाइट आती है विजुअल विजुअल स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रम से लाइट आती है कॉर्निया के थ्रू वो लेंस कॉर्निया से लेंस के थ्रू होके किसको मिलेगी फोटो रिसेप्टर्स पे जाएगी किसको जाएगी फ़ोटो रिसेप्टर्स पे जाएगी ठीक है आपको देखो ये विजुअल स्पेक्ट्रम में सनलाइट आई मतलब लाइट आई वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम पे लाइट आई कॉर्निया को पास करके लेंस पास करके वो किसको गई फोटो रिसेप्टर्स पे गए अब आपको पता है फ़ोटो रिसेप्टर कहाँ पे है रेटिना में फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं रॉड्स और कॉन्स तो रॉड्स एंड कॉन्स क्या करेंगे लाइट को क्या करेंगे आने देंगे जैसे ही लाइट आएगी अब क्या होगी फोटो पिगमेंट्स में प्रॉब्लम आने लग जाएंगे क्योंकि आपको पता है फोटो पिगमेंट में क्या होता है ऑप्शन और रेटिनल ऑप्शन और रेटिनल ज्वाइन होते हैं मिले होते हैं तो जैसे ही लाइट आती है ऑप्शन रेटिनल से सेपरेट हो जाती है ऑप्शन रेटिनल से सेपरेट हो जाते हैं जिससे ऑप्शन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जैसे ही ऑप्शन का स्ट्रक्चर चेंज होगा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन की पर्मेबिलिटी चेंज हो, चेंज हो, membrane की, membrane की हो जाएगी मेम्ब्रेन की पर्मेबिलिटी चेंज हो जाएगी ध्यान से सुनो कॉर्निया और लेंस से लाइट आई फोटो रिसेप्टर्स पे लगे फोटो रिसेप्टर कॉर्नस एन रॉड होता है आपको पता है फोटो रिसेप्टर के अंदर फोटो पिगमेंट्स होते हैं आपको पता है दो प्रकार के फोटो पिगमेंट है ऑप्सिन और रेटिनॉल ऑप्सिन और रेटिनॉल ज्वाइन होते हैं ऑप्सिन और रेटिनॉल कैसे होती है ज्वाइन होती है बेटा ऑप्सिन और रेटिनॉल ज्वाइन होती है जैसे लाइट आती है इमेज कुछ भी कुछ भी मैसेज आता है लाइट आती है ऑप्सिन रेटिनॉल से सेपरेट हो जाती है जिसकी वजह से ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जिसके वजह से मेमब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती गी. क्या होता है मेम्ब्रेन की पॉमेबिलिटी चेंज हो जाती है मेम्ब्रेन की पॉमेबिलिटी चेंज हो जाएगी ध्यान रखो मेम्ब्रेन की पॉमेबिलिटी चेंज होगी तो क्या होगा क्या होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा मैमब्रेन की पॉमेबिलिटी मैमब्रेन की पॉमेबिलिटी चेंज हो गई आयन के कंसेंट्रेशन चेंज हो गए हो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा फ्रॉम द बाई सेल फ्रॉम द बाई सेल पोलार सेल्स और वो किसको दे दिया जाएगी गैंगलियन्स को दे दिया जाएगा और आपको पता है गैंगलियनिक सेल्स किसको लेके जाएगी ये जो सेम मैसेज होता है वो लेके जाएगी आपके ब्रेन के पास और ब्रेन में क्या है आपका विजुअल कॉर्टेक्स है तो जो पे भी आपने इमेज यहाँ पे इमेज देखा वो ब्रेन की जो इमेज है विजुअल कॉर्टेक्स में विजुअल कॉर्टेक्स में वो ब्रेन की इमेज को रिकॉल किया जाता है और इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है तो आपको बस इतना याद रखना है लाइट आएगी फोटो रिसेप्टर्स पर पड़ेगी

है, तो रिकॉल करो और इमेज का रिफॉर्मेशन करो सो वाले हैं ईयर अब हम बात करने वाले हैं ईयर के तो आपका यहां से आई का पूरा भी मैटर सॉल्व हो गया है अब हम बात करेंगे आपके ईयर की ओके okay? तो बेटा अगर मैं आपके ईयर की बात करूं तो ईयर भी आपकी थ्री पार्ट में डिवाइडेड होती है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईयर तो बेटा सुनना तो इनका काम है ही लेकिन ईयर जो है वो आपकी बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करती है मतलब अगर आप सीधे खड़े हुए हैं तो आपका जो मेंटेनेंस है बॉडी का वो पे भी कौन कर रहा है आपकी ईयर ही कर रही है तो वो मेनटेन करती है अगर आप खड़े हैं तो खड़े हैं नहीं तो ऐसे धड़ाप से गिरते नहीं हैं ठीक है थीके? अगर आप नाच मतलब ए आप ऐसे घूमते हैं फिर आप अपने बैलेंस करने की को कोशिश करते हैं राइट तो वो बैलेंस भी कौन कर इंटरनल ईयर तो बैलेंसिंग ऑर्गन भी है और ये इंटरनल तो का का है? है. तो को मेंटेन को करना है किसका बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करना है बैलेंस करना है कोई क्वेश्चन है अभी तक जल्दी से दो यार पैर दर्द हो रहा है दो मिनट बैठने दोगे द पिंक पार्ट ऑफ द आई आप वो कंजक्टिवा की बात करें जब आपको कंजक्ट कंजक्ट कंजक्टिवा जब इन्फेक्शन हो जाता है उसकी बात करें पिंक पोर्शन किसकी बात करें मैम अन अकेडमी क्लास टाइमिंग नौ से दस मेरी है स्पेशल क्लास दो मिनट यार बैठने दो बहुत पैर दर्द हो रहा है आज तबीयत खराब है थोड़ा सा ना मैं दो मिनट के लिए रेस्ट लूँ नहीं रेस्ट भी नहीं लूँगी बस बैठ के यू नो you know, एनर्जी ले लूँगे हाँ हाँ बोला सब कुछ हुँ, हुँ। ए कुछ भी क्लियर मैम दिल खुश कर दिया हाय मतलब इजी था ना आपको इतना कुछ हार्ड नहीं था आप इसका क्या करना दो तीन बार रिवाइज करना कुछ नहीं है अपने घर वालों को पढ़ाया करो ओके जस्ट अ ईश्वर दो मिनट रुको यार पहली बार मैं चेयर का यूज करने जा रही हूं ओके okay. hmm. तीन घंटे क्लास लेते हैं ना तो थोड़ा बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आ ही जाती है ओके okay. सो so, मैं अभी मैसेज पढ़ने वाली हूँ आपके ठीक है ओके मैम नो प्रॉब्लम रेस्ट ले लो थैंक यू सो मच मैं तब तक मैसेज तो पढ़ लूँ ना अभी तो मौका मिला है बट अपने को यार वो भी कवर करना है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अरे मैं आपको इतने टेक्स के साथ पूरा केमिकल कंट्रोल पढ़ा सकती हूँ ना चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आयुष आराम से बताओ मैम हैव वाटर ऑल्सो पानी ख़त्म हो गया आज तो दिन ही ख़राब है पता है मेरा पानी ख़त्म uh, मैम एक डाउट है ग्रेसी पूछो क्या डाउट है ग्रेसी डाउट क्या है बेटा मिस क्विंग मिस क्विंग कह रही है आई लाइक दिस मैम एंड आई लाइक यू टू और एक मिनट अरे तुम लोग भी पानी वानी पी लो यार तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोविड हो गया है बट मैं दोबारा यहाँ पे बताओ मैं अन अकेडमी के स्टूडियो में आई हूँ मेरे को तो ऐसा लग है मेरे को एक किसी से मिली और उनको कोविड हो गया तो मुझे पक्का मार डालेंगे लोग मैम मैराथन क्लास ले लो हंड्रेड एंड टेन परसेंट जैसे ही ये ख़त्म होता है ना अपना इलेवेंथ का सेक्शन खत्म होता है हंड्रेड एंड टेन परसेंट बेटा मैं, मैं मैराथन ही लेने वाली हूँ आठ आठ घंटे स्पेशल क्लासेस में तो पक्का आपको लूँगी मैं हेल्प करूँगा भूमिका क्या बात करूं बताओ पांच मिनट का ब्रेक बहुत मैक्सिमम ब्रेक होता है मैम वो आइस के नीचे वाला पिंक पोर्शन होता है बीमार पड़ने पे डॉक्टर आइस के नीचे देखते हैं वो बेटा वो तो आपका ब्लड वेसल्स ही है ना आपके आइस को तो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है ना ब्लूइश नहीं सिर्फ ब्लड वेसल्स नर्व्स वो वो ब्लड वेसल्स के कनेक्शन है ब्लूइश तो क्रोइड पोर्शन होता है अगर वो बात करें तो अजय थैंक यू सो मच आई एम नॉट ग्रेट यू स्टूडेंट्स आर ग्रेट अजय चले अब शुरू करें क्या पढ़ना मैं अब जिंदा हो गई हूं चलिए स्टार्ट करते हैं ओके चलिए 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 स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं ओके तो बेटा अब थोड़ा पैर वैर you know, तुम लोग भी थोड़ा एक्टिवेट हो जाओ ठीक है तुम लोग एक्टिव रहते हो तुम लोग मैसेज करते हो तो मैं भी नहीं तो मैं भी बीच में सो जाती हूँ ओके okay, चलिए 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 तो बेटा अब है आपका ईयर ठीक है ईयर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है तो ईयर का काम क्या हेयरिंग और मेंटेनेंस ऑफ़ द बॉडी अब पहले तो समझ लो ये जो हियरिंग है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी है वो इंटरनल ईयर का काम है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर दोनों ही काम पे काम नहीं करने वाला है ठीक है तो जो हियरिंग है और जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी है वो दोनों का दोनों किसका काम है इनर ईयर का इंटरनल ईयर का तो ईयर ती, तीन पार्ट में डिवाइडेड है एक है आउटर पार्ट एक है मिडिल पार्ट मिडिल पार्ट और एक है इनर पार्ट इनर पार्ट क्लियर अब देखो आउटर पार्ट किससे बना होता है आउटर पार्ट बना होता है आउटर पार्ट बना होता है पिना एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ओके बेटा आपका ये जो पिना पोर्शन होता है पिना पोर्शन होता है उसके अंदर एक होल होता है ना जिसके अंदर आप ईयरबड डालते हो तो उसे आप एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहते हो तो पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा आउटर ईयर का पोर्शन लेगा अब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिना तो पिना का काम है जो भी एटमोस्फेयर पे वाइब्रेशन है उसको कैच करो वाइब्रेशन वाइब्रेशन को कैच करना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स उस वाइ वाइब्रेशन को सेम uh, वाइब्रेशन जो आपके पिना ने अटैच किया है लिया है उसको वाइब्रेट करके देती है मिडिल ईयर को अब आपको ध्यान रखना है मिडिल ईयर बनती है मेलस मेलस इनकस स्टेप्स मेलस इनकस स्टेप्स है ठीक है सबसे पहले तो हम पार्ट देख रहे हैं कि आउटर में क्या है मिडिल में क्या है तो आपका आउटर में है पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ओके एंड एक्सटर्नल बेटा ध्यान से पढ़ लो ना ध्यान से पढ़ लो एक बार देख ले तो कितने स्टूडेंट है ध्यान से देखो देखो अब आउटर में पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटिव मीटर अब मेला का स्टेप और इनर ईयर को क्या बोलते हैं लेबरेंथ तो इनर ईयर को आप कह सकते हैं फ्लूड फील्ड होता है इनर एयर कैसा होता है ये फ्लूड फील्ड होता है फ्लूड फील्ड होता है और आप इसे लेबरिंथ कहते हैं क्या बोलते हैं लेबरिंथ कहते हैं तो अब हम लिखेंगे इनर एयर को आप लेब कहते हैं लेबरिंथ लेबरिंथ ओके okay? अब लेबरिंथ ये क्लियर हो गया तो पिना मेलस इनका स्टेप्स और लेबरिंथ अब बेटा जो बोलने वाली हो बहुत इंपॉर्टेंट है आउटर को मिडिल से कनेक्ट कौन करता है ईयर ड्रम करता है तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे ईयर ड्रम कहते हैं आपका मिडिल ईयर से जो इनर ईयर होता है उनके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं ओवल विंडो कहते हैं ओवल विंडो कहते हैं अब ध्यान से सुनो आउटर ईयर से मिडिल ईयर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ईयर ड्रम कहते हैं मिडिल से जो इनर ईयर का होता है कनेक्शन उसे ओवल विंडो कहते हैं अब ध्यान से सुनना पिना का काम क्या है जो पे भी वाइब्रेशन है इन्वॉरमेंट में उसको पकड़ के एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को देना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहाँ पे जाता है आपके ईयर ड्रम पे जिसे आप क्या कहते हैं मेम्ब्रेन ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन टिमपेनिक मेम्ब्रेन तो अब ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच करेंगे अब देखिए मेलस जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच करता है और जो स्टेप्स होता है वो ओवल विंडो को टच करता है क्योंकि मैम मेलस इनकस स्टेप्स का अरेंजमेंट होता है जो मेलस होती है मेलस इनकस ऑस्टेपस ये जो ईयर ऑसिकल्स कहलाती हैं ये क्या कहलाती है, कहलाती हैं ईयर कहलाती हैं और इन ये जो मेलस होता है वो ईयर ड्रम को टच करता है ईयर ड्रम को टच करता है और स्टेपस जो होता है ओवल विंडो को टच करता है ध्यान रखना ध्यान रखना मिडिल ईयर को ईयर ऑसिकल्स कहते हैं मेलस ईयर ड्रम को टच करेगा स्टेपस ओवल विंडो को टच करेगा अब देखिए बेटा ओवल विंडो आपके लेबरेंथ के पास है मतलब लेबरेंथ का जो इनर ईयर है फ्लूट फील्ड उसको लेबरेंथ कहते हैं अब ध्यान से सुनना ये वाला इनर ईयर का पोर्शन हम बाद में करेंगे वन टू वन पढ़ाई करेंगे अब ये बेटा अपने को इनका बात क्लियर करना है अगर हम मिडिल ईयर की बात करते हैं तो इनका काम क्या होता है जो भी मैसेज अगर टेन डेसिबल का आया है तो उसको टेंट डेसिबल में ही रखना है मैसेज अगर सपोज करो दूर से अगर साउंड आ रहा है तो दूर से अगर साउंड आया है तो कान के अंदर जाते जाते उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए जो साउंड वेव है जो साउंड है उसकी एफिशिएंसी और एम्पलीट्यूड को मेनटेन करने का काम है आपके ईयर ऑसिकल्स का तो ईयर ऑसिकल्स मेंटेन मेंटेन एफिशियंसी एफिशियंसी ऑफ साउंड ओके तो ये क्या करती है एफिशिएंसी मेंटेन रखते हैं जो भी मैसेज 10 डेसिबल का आया है तो अंदर भी 10 डेसिबल तक ही होना चाहिए एम आई क्लियर अंदर वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए साउंड का जो एम्पलीट्यूड और क्रेस्ट है वो ट्रॉफ है वो लाइक यू नो एम्पलीट्यूड ऑफ क्रस्ट जो है वो कम नहीं होना चाहिए तो मेंटेन करता है एफिशिएंसी ऑफ साउंड और आप ये कह लीजिए कि साउंड एफिशिएंसी को मेंटेन करता है दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट व्हाट इज इज द फंक्शन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन क्या है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का तो बेटा ये आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है वो प्रेशर इक्वलाइज करता है द फंक्शन ऑफ टिम्पेनिक मैमब्रेन इज टू इक्वलाइज प्रेशर इक्वलाइज करता है प्रशना ही नहीं नो एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी नो 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 नॉट फॉर द प्रेशर वो तो आपका स्टेशन ट्यूब करेगा ओके तिम्पानिक मैमब्रेन है ओके अब बेटा इससे ही दूसरा क्वेश्चन है मिडिल ईयर से ही दूसरा क्वेश्चन है अब बेटा आपने देखा होगा मिडिल ईयर का जो कैविटी होता है वो आपके फारेनेक्स से जुड़ता है आपके पास मिडिल ईयर होती है मिडिल ईयर की कैविटी होती है मिडिल ईयर की जो मिडिल ईयर है उसकी कैविटी होती है वो फारेनेक्स के साथ जुड़ती है बाय अ ट्यूब कॉल्ड एज इस्टशियन इस्टाशियन इस्टाशियन ट्यूब स्टेशन ट्यूब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्टाशन ट्यूब क्या होता है तो मिडिल ईयर इज मिक्स विद द फारनेक्स द मिडिल ईयर कैविटी इज अटैच टू द फारनेक्स बाय स्टैशन ट्यूब अब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टाशन ट्यूब तो बता दूं स्टाशियन ट्यूब का काम है प्रेशर को इक्वलाइज करना प्रेशर को इक्वलाइज करना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर सो so, ध्यान से रखना स्टाशियन ट्यूब का काम है प्रेशर को इक्वलाइज करना ड्रम ईयर ड्रम के बाहर और अंदर तो ईयर ड्रम के बाहर और अंदर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए वो कौन करेगा स्टेशन ट्यूब स्टेशन ट्यूब कहां पे रहेगा मिडिल ईयर मिडिल ईयर की कैविटी को फार्मेक्स से जोड़ने की कोशिश करता है स्टेशन ट्यूब क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेशन ट्यूब पर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेशन ट्यूब से क्लियर प्रेशर इक्वलाइज करता है तो आई होप आउटर ईयर समझ में आ गया मिडिल ईयर भी समझ में आ गया मिडिल ईयर में क्या होता है ईयर ऑसिकल्स होते हैं जो एफिशिएंसी ऑफ साउंड बढ़ाते हैं अब देखिए बेटा मिडिल ईयर की कैविटी होती है वो स्टेशन ट्यूब से फारनेक्स के थ्रू फारनेक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं द फंक्शन ऑफ़ फाइनेक्स ट्यूब इज टू प्रेशर इक्वलाइज करना प्रेशर यू नो फ्रॉम बिहाइंड द टिपेनिक टू इनर ऑफ द टिम्पेनिक अब ये तो हो गया आपका मिडिल और आउटर ईयर अब हम बात करेंगे इनर ईयर की इनर Year की बात करेंगे इनर ईयर इनर ईयर अब बेटा इनर ईयर कैसी होती है फ्लूड फील्ड होती है फ्लूड से फील्ड होती है जिसे आप लेबरिंथ कहते हैं क्या बोलते हैं लेबरिंथ अब बेटा ये जो लेबरिंथ होती है वो दो तरह के स्ट्रक्चर से सराउंडेड होती है या आप बोले कि लेबरिंथ क्या होता है तो बेटा एक होता है बेटा बोनी लेबरिंथ बोनी लेबरेंथ और एक होता है बोनी लेबरेंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेबरेंथ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबरेंथ अब देखिए बेटा मेम्ब्रेनस लेबरेंथ के अंदर जो फ्लूड होता है मेम्ब्रेनस लेबरेंथ के अंदर जो फ्लूड होता है इसे एंडोलिम्फ कहते हैं लिम्फ कहते हैं और जो बोनी लेबरेंथ के अंदर जो फ्लूड होता है उसे पेरीलिम्फ कहते हैं तो ये तो क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया इनर एयर फ्लूड फिल्ड होता है और इससे इस फ्लूड को क्या बोलते हैं फ्लूड फिल्ड होता है और इस फ्लूड को आप लिम्फ कहते हैं क्या बोलते हैं लिम्फ कहते हैं अब लेबोरिंथ दो प्रकार में होती है दो टाइप के डिवाइड होते हैं बोनी लेबोरेंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबोरेंथ बोनी लेबोरेंथ को पैरिलिम्फ उनके अंदर जो फ्लूड होगी पैरिलिम्फ कहेंगे और मेम्ब्रेनस लेबोरेंट को एंडोलिम्फ कहेंगे अब बेटा ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बोनी लेबोरेन्थ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबोरेंथ होता है तो ये जो बोनी लेबरेंथ होगा जो चैनल्स सीरीज ऑफ बोन्स मतलब यू नो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबरेंथ होता है तो हमेशा याद रखना कि बोनी लेबरेंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरेंथ होता है बोनी लेबरेंथ के अंदर क्या होता है मेम्ब्रेनस लेबरेंथ होता है सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगे जस्ट ये खत्म हो जाए ठीक है सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगे तो बेटा बोनी लेबरेंथ के अंदर क्या होता है मेम्ब्रेनस लेबरेंथ अब बेटा अब आप, आप मुझसे पूछेंगे वॉट इज कॉकलिया तो बेटा राउंडेड राउंडेड पोर्शन पोर्श को राउंडेड पोर्शन ऑफ लेबरिंथ लेबरिंथ इज कॉल्ड एज कॉकलिया कॉकलिया अब लेबरेंथ का राउंडेड पोर्शन या कॉइल्ड पोर्शन को लेबरिंथ कहते हैं अब बेटा ध्यान से सुन लो ध्यान से सुन लो ध्यान से सुन लो ठीक है अब एक होता है बेटा बोनी लबरिंत आपका स्केला वेस्टिब्यूली स्केला वेस्टिब्यूली यहाँ पे क्या होता है आपका स्केला मीडिया और यहाँ पे होता है स्केला टिम्पैनी तो बेटा आप थर्ड है ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है क्लियर है ओके अब देखिए बेटा थर्ड फर्स्ट और सेकेंड थर्ड टिम्पैनी तो स्केला टिमपैनी टिमपैनी स्केला टिम्पैनी दिस इज कॉल्ड है स्केला वेस्ट स्केला वेस्टिब्यूली दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड स्केला मीडिया मैम अब ये क्या हो गया यही तो सबसे ज्यादा दर्द देता है तो ध्यान से सुनो कॉकलिया अगर हम बात करें कॉकलिया की कॉकलिया प्लस बेजीलार मेम्ब्रेन बेजीलार मेम्ब्रेन प्लस रेजिनार मेम्ब्रेन रेजिनार मेम्ब्रेन इन सब ने डिवाइड किया कॉकलिया क्वेश्चन पूछेगा किसके वजह से ये डिवाइड हुए हैं तीन तीन तो ड्यू टू कॉकलिया बेजिल एंड रेजिनार मेमब्रेन योर मिडिल इनर ईयर इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट स्केला वेस्टब्यूली स्केला मीडिया और स्केला टिम्पाने तो बेसिकली ये क्या है मैम ये है कॉकलिया द राउंडेड पोर्शन ऑफ द लेबरेंथ कॉल्ड एज कॉकलिया अब स्केला वेस्टिब्यूली पहला स्केला टिम्पैनी थर्ड टी टिम्पैनी थर्ड एंड दिस इज स्केला मीडिया अब ध्यान रखना स्केला वेस्टिब्यूली आप इसको बोनी लेबरिंथ मान के चलिए अब इनके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ मेम्ब्रेन होती है इसे आप क्या बोलते हैं इसे आप रेजिनार मेम्ब्रेन कहते हैं रेजिनार मेम्ब्रेन रेजिनार मेम्ब्रेन रेजिनार मेम्ब्रेन अब बेटा यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपका मेम्ब्रेन है इसे आप बेजिलार बेजिलार मेम्ब्रेन कहेंगे अरे सब तो सब ब्रे आपका क्या है बोनी लेबरिंथ है और मेम्ब्रेनस uh, लेबरिंथ है तो हमने कहा कॉल्ड पोर्शन ऑफ लेबरिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया तो कॉकलिया में भी तो मेम्ब्रेन और बोनी लेबरिंथ रहेगा ना कॉकलिया में भी बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ तो रहेगा ही ना मेरे बच्चे तो अब देखिए अब हमने क्या बोला कॉकलिया कॉकलिया प्लस बेजेन आर मेब्रेन रेजनर मेमब्रेन हैज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पोर्शन वन इज कॉल्ड द स्केला वेस्टिव स्केला मीडिया और स्केला टिम्पानी अब जो स्केला मीडिया होता है स्केला मीडिया होता है इन्हीं के अंतर जो फ्लूड होगा आप इसे एंडोलिम्फ कहते हैं अब ध्यान रखना आपसे पूछा जाता है स्केला वेस्टिब्यूली कहाँ ओपन होती है तो स्केला ओपन होती है स्केला ओपन होती है किसमें आपकी ओवल विंडो में ओवल विंडो में ओवल विंडो में मैंने कहा ना आपका ओवल विंडो प्रेजेंट बिटवीन द मिडिल एंड द इनर एयर सो स्केला वेस्टिब्यूली ओपन इंटू ओवल विंडो और स्केला टिम्पानी ओपन इंटू राउंड विंडो ओके सो ओवल विंडो ओवल विंडो ओके एंड राउंड विंडो तो स्केला वेस्टवीड ओपन इनटू ओवल विंडो ओवल विंडो एंड स्केला टिम्पानी ओपन इनटू राउंड विंडो अब आपको ध्यान रखना है ये जो एंडोलिम्फ फ्लूड स्केला मीडिया है इस स्केला मीडिया में क्या प्रेजेंट है आपका ऑर्गन ऑफ कॉटी ऑर्गन ऑफ कॉटी ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है इनके जो इनर साइड पर आप देखेंगे तो आपको हेयर सेल्स मिलती हैं और यही हेयर सेल्स कमाल की चीज़ है और ये आवाज़ को आवाज़ को पकड़ के लेके आती हैं तो दीज आर कॉल्ड एज दीज हेयर सेल्स आर कॉल्ड एज ऑडिटरी रिसेप्ट ऑडिटरी रिसेप्ट ऑडिटरी रिसेप्ट ऑडिटरी मैम ये बहुत कुछ झमेला हो गया कोई टेंशन नहीं है देखिए आपके पास क्या था लेबरेंथ था लेबरेंथ क्या है 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 आपका आपका बोनी मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ इज कॉल्ड लेबर कॉकलिया तो हमने देखा आपके अगर कॉकलिया की बात करते हैं तो आपके पास है स्केला वेस्टिब्यूली स्केला टिम्पानी स्केला मीडिया स्केला वेस्टिब्यूली ओपन इन टू ओवल विंडो

एफरेंट एफरेंट नर्व से लगा होता है जिसे आप क्या कहते हैं सेंसरी नर्व तो जो भी मैसेज आपका ये हेयर सेल सुनता है ये जाके किसको देगा एफरेंट नर्व किसको देता है मैसेज एफरेंट नर्व देता है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है ऑडिटरी कॉर्टेक्स है ऑडिटरी कॉर्टेक्स है यहाँ पे क्या होता है जो भी आपने सुना है जिसकी भी आवाज सुनी है उसको रिकॉल किया जाता है और जो पे भी आवाज आपको समझ में आती है वो बना के तैयार कर दिया जाता है तो आपको समझना है कि आपका यहां पे बेजिल आर मेंब्रेन है बेजिलेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी है ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर के वे क्या है हेयर सेल्स हैं या ऑडिटरी अब हेयर सेल्स को क्या कहते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स यही रिसीव करेंगी क्या आवाज अब अगर एक हेयर सेल की बात करते हैं तो एक हेयर सेल का एपिकल पोर्शन होता, होता है बेजल पोर्शन होता है बेजल पोर्शन एफरेंट नर्व फाइबर से लगती है एफरेंट नर्व फाइबर से लगती है या आप कह दीजिए सेंसरी नर्व से लगती है और ये सारा जो भी और मैसेज होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास लेके जाएंगे अब आपसे पूछा जाता है ये एपिकल पोर्शन में क्या होता है तो आप लिखिए जो एपिकल पोर्शन होता है वहाँ पे इस्टीरियोसीलिया होती है क्या होती है स्टीरियोसीलिया होती है ये जो स्टीरियोसीलिया है और नीचे क्या है एफरेंट नर्व फाइबर है और ये मैसेज ले जाएंगे सी एन एस सी एन एस के पास है ऑडिटरी कॉर्टेक्स अब आपको ध्यान क्या रखना है अब आपको ध्यान रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे पूछा जाएगा ये जो हेयर सेल्स होती हैं जिन्हें आप ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं ये कवर किससे होती है तो इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे आप टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं क्या बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तो टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन है वो ऑडिटरी सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स या हेयर के ऊपर होती है और हेयर किसके हेयर सेल्स किसके ऊपर है तो आप लिखेंगे बेजिलार मेम्ब्रेन तो बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर है ऑडिटरी रिसेप्टर्स और ऑडिटरी सेल्स और उसके ये जो हेयर सेल्स हैं उसके ऊपर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अब आपको दिमाग लगाना है अब आपको दिमाग लगाना है अब आपको दिमाग लगाना है जैसे आपका क्या क्लियर हुआ था विजन क्लियर हुआ था वैसे ही हेयर क्लियर आपका हीयरिंग क्लियर होता है तो मैम अब आप आसानी आसानी से हमें सिस्टम समझा दीजिए तो ध्यान से सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना आपको पता है कि आपके पास है ऑडिटरी ऑडिटरी रिसेप्टो ऑडिटरी रिसेप्टर जो कि आपके हेयर सेल्स हैं हेयर सेल्स ऊपर से कवर हैं बाय टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और नीचे से कवर्ड है कहाँ पे मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है ऑर्गन ऑफ कॉर्टे ऑर्गन ऑफ कॉर्टे ऑर्गन ऑफ कॉर्टे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टिक किसके ऊपर होती है तो बेजिलार मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑफ कॉर्टिक के एंटेरियर में क्या पोस्टेरियर में क्या होता है आप लिखेंगे हेयर सेल्स ऑडिटेरी रिसेप्टर्स ऑडिटेरी रिसेप्टर्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो किससे लगा होता है सेंसरी नर्व से सेंसरी नर्व किसको दी जाती है सीएनएस को सीएनएस में क्या है आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स है यहाँ पे जो भी आवाज़ होती है उसको रिकॉल किया जाता है समझा जाता है क्या आवाज़ आपने पहले सुना है या ये टीचर क्या बोलने की आ, मतलब कोशिश कर रहा है अब आपको ध्यान रखना है ऊपर वाले में है स्टीरियो सीलिया दिस इज कॉल्ड एज एपिकल पार्ट एपिकल पार्ट एंड बेसर पार्ट तो अब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपका जब हियर जब आप कुछ सुनते हो तो सुनोगे तो उसको ब्रेन के पास पहुंचना है तो ब्रेन के पास पहुंचाएगा कौन सेंसरी नर्व सेंसरी नर्व कहां पे लगी हुई है बेसल ऑफ द हेयर अब बेसल ऑफ हेयर कैसे एक्टिवेट होगी कैसे इनके ऊपर मैसेज आएगा जब टेक्टोरियल और बेसल मेंब्रेन के घिसाव होगा जब फ्रिक्शन होगा तो आप याद रखो आपको ये याद रखना है कि आपके कॉर्टेक्स है क्या है आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स है ऑडिटरी कहता है कि भाई अपने को आवाज आवाज लेके लेके आ। अभी आवाज कौन आएगा? ऑडिटरी रिसेप्टर कौन है हेयर सेल है आपका अब हेयर सेल में दो पोर्शन है एपिकल और बेसल बेसल वाला लगा है तो बेसल वाला स्टिमुलेट कैसे होगा बेसल वाला एक्साइट कैसे होगा अगर इनके ऊपर फ्रिक्शन हो तो एपिकल साइड से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अगर घिसे और नीचे से बेसिलार घिसे, तो किस में मैसेज जाएगा बेसिल बेसिल पार्ट सेंसरी पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा बोलेगा बॉस किसका आवाज़ का मैसेज आया अब किसको देने का इसको इसको दे दो आप ऑडिटरी कॉर्टेक्स को एम आई क्लियर एम आई क्लियर एम आई क्लियर तो अब होता क्या है अब होता क्या है कि ध्यान से सुन लो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बता रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बता रही हूँ तो ध्यान से सुनो आपका एक्सटर्नल पिना ने सारे वाइब्रेशंस को लिया पिना ने सारे वाइब्रेशंस को कैच किया और वाइब्रेशन को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में दिया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से जो मैसेज वाइब्रेशंस थी वो पास हुई किसको टिम्पैनिक को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टिम्पानिक मेम्ब्रेन से वो मैसेज को पास किया गया ईयर ऑसिकल में तो ईयर ऑसिकल क्या करता है जो भी साउंड आया है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है साउंड के अगर वो कम ज़्यादा हो रही है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो वाइब्रेशंस आएगी ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में फिर टिम्पेनिक मैमब्रेन को अब टिम्पानिक मैम्ब्रेन क्या करेगा वाइब्रेट करेगा तो जैसे ही मैसेज टिम्पेनिक मैम्ब्रेन को आएगा टिम्पेनिक मैमब्रेन स्टार्ट वाइब्रेटिंग टिम्पेिक मैम्ब्रेन क्या करेगा वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देगा और ये वाइब्रेशन ईयर ऑसिकल्स पर जाएगा और ईयर ऑसिकल्स अब इफिशेंसी को मेनटेन कर दिया अब ध्यान से सुनना ईयर ऑसिकल्स किसको लगी हुई है ओवल विंडो को तो ये मैसेज किसको जाएगा ओवल विंडो अब आप मुझे बताओ ईयर ऑसिकल्स

आपके अंदर है स्केला मीडिया स्केला मीडिया के अंदर है ऑर्गेन ऑफ कॉटी ऑर्गेन ऑफ कॉटी ऑर्गेन ऑफ कॉटी कहेगा भाई ये डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है चलो ऑर्गेन ऑफ कॉटी डिस्टर्बेंस ले लो स्केला मीडिया से डिस्टर्बेंस ले लो ऑर्गेन ऑफ कॉटी और किसको दे दो किसको दे दो ऑडिटरी ऑडिटरी रिसेप्टर्स को दे दो ऑडिटरी रिसेप्टर्स मैसेज तो ले लेगी लेकिन ऑडिटरी रिसेप्टर्स को भी एक्साइट होना है तो कैसे होगा क्या वो जो वाइब्रेशन है सबसे पहले आगे.

टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को परेशान करेंगे अब टेक्टोरियल मेमब्रेन यहाँ से फ्रिक्शन ले रहा है यहाँ से बेजिल फ्रिक्शन ले रहा है दोनों फ्रिक्शन करेंगी और आपको पता है अब यहाँ पे बेजिल वाला पार्ट में क्या है सेंसरी नर्व है अब ये जो फ्रिक्शन है जो आवाज का जो साउंड है जो वेव्स है ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगी आपके पास किसके पास ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास सो so, ऐसे आपका हियरिंग होता है दिस इज क्लियर आपने इससे इजी कभी भी सुना था कि कैसे हियरिंग होती है तो अब एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स के से मैसेज आएगा टिम्पेनिक मैमब्रिन टिम्पैनिक मैम्ब्रिन वाइब्रेट करने लग जाएगी वाइब्रेशन से ईयर ऑसिकल्स को जाएगा ईयर ऑसिकल से ओवल विंडो क्योंकि यही दोनों का कनेक्शन है ओवल विंडो से मैसेज जाएगा कॉकलिया कॉकलिया के पास फ्लूड है तो फ्लूड में वाइब्रेशंस होगी और आपको पता है जब फ्लूड में वाइब्रेशन होगी तो कौन एक्टिवेट होगा बेजिलर बेजिलर ऐसे वेव रिपल्स जनरेट करेगा फ्रिक्शन जनरेट करेगा जो कि टेक्टोरियल मेब्रिन के पास जाएगी तो टेक्टोरियल मेंब्रिन बेजिल दोनों ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी और यहाँ पे हेयर सेल्स है हेयर सेल्स के नीचे क्या है सेंसरी न्यूरॉन तो जैसे इनमें फ्रिक्शन होगा सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा और मैसेज अब ऑडिटरी कॉर्टेक्स को दिया जाता है एम आई क्लियर जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं इससे इजीएस्ट वे नो मैम यू मेक एवरीथिंग इजी थैंक यू सो मच इन 18 मंथ हाय भगवान ये 18 मंथ क्या नाम होता है जल्दी से बताओ कैसा लगा सेशन मैम वेरी नाइस टीचिंग थैंक यू सो मच ओके ओके अजय आई विल ओके अजय चलिए अभी अपने पास दस मिनट तो है ना दस मिनट है ओके चलिए से अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं आपका ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसे आप कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो सबसे पहली बात तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हार्मोन तो अगर पहले बता दूं तो हार्मोन एक तरह का केमिकल कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन स्टार्ट हो गया तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज हार्मोन तो बेटा हार्मोन अगर पूछा जाए तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए तो हार्मोन का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हार्मोन है नॉन न्यूट्रिय हार्मोन कैसी है नॉन न्यूट्रिएंट है ये किस किस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है यह ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है छोटे से लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है नॉन न्यूट्रिएंट ट्रेस अमाउंट और क्वेश्चन इज ये कहां पे प्रेजेंट होती है तो बिटवीन द सेल्स मींस इंटर सेल्युलर सेलुलरार्पेस इंटर सेलुलर स्पेसिस तो कहाँ तो पे प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है और मतलब न्यूट्रिएंट इनमें नहीं है सबसे कम अमाउंट ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और इंटर सेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं तो ये तो आपको समझ में आ गया अब हम बात करते हैं ये जो हारमोन होती है वो कहाँ से निकल के आते हैं तो बेटा हारमोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल के आते हैं ठीक है हारमोन प्रोड्यूस होता है लिम्फ में या तो ब्लड में तो हारमोन कहाँ प्रोड्यूस होता है में भी प्रोड्यूस होता है और ब्लड में भी प्रोड्यूस होता है एंड ये जिससे प्रोड्यूस होती है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं अब बेटा यहाँ पे दो प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं एक होती है ऑर्गेनाइज एंडगेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड जब एक ऑर्गन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाए और वहां पर बहुत सारी सेल्स एक साथ सिक्रीशन करें तो आप उसे ऑर्गेनाइज कहते हैं यहाँ पे सेपरेट सेपरेट सेल्स को सिक्रीट करने लग जाती हैं और ये ऑर्गन ही होती है ये ग्लैंड

थाइरॉयड ग्लैंड होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है ये ठीक है अब बेटा यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड होता है फिर यहाँ पे थाइरॉयड ग्लैंड होता है फिर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होता है और फिर यहाँ पे गुनाट्स होता है ठीक है तो ये है आपका ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड फोर टाइम पी दो टाइम टी फिर ए जी क्लियर तो ये है ऑर्गेनाइज आपके पास कितने हैं एट ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉपर है ठीक है, है अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड है एक्सक्रीशन सारी सेल्स मिलकर कर रही है अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो आपके पास क्या है जी आई ट्रैक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बेटा आपका जो ईसो से स्टार्ट करके आप कोलोन रेक्टम तक जाते हैं तो उसे जी आई ट्रैक कहते हैं। तो जी आई ट्रैक भी हारमोन्स प्रोड्यूस करती है बट ये ऑर्गेनाइज नहीं है बेटा अगर हम बात करें आपके आ, याद रखना अगर हम बात करें आपकी किडनी की तो किडनी भी आपकी ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है तो जी आई ट्रैक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल किडनी फिर आपकी जो हार्ट है और फिर आपके जो लीवर है बेटा ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं हमेशा याद रखना जी आई ट्रैक हार्मोन प्रोड्यूस करे किडनी प्रोड्यूस करे हार्ट प्रोड्यूस करे लीवर तो अब आप मुझसे पूछेंगे ये वाली जो ग्लैंड है क्या इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं नहीं बेटा ये एक ऑर्गेन है जो कि अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा बिहेव करती है क्योंकि ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्लियर अब देखिए बेटा जी ट्रैक जो है ये तो क्लियर हो गया ये तो क्लियर हो गया अब देखिए बेटा अगर हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लान की ग्लान की, तो बेटा आपको सबसे पहले पूछा जाता है ये चार क्वेश्चन तो सबसे पहले है एक आपका जी आई ट्रैक जी आई ट्रैक दूसरा क्या है जी आई ट्रैक फिर आपका क्या है किडनी है किडनी है एंड देन आपका लीवर है और फिर बेटा तीसरा क्या है आपका हार्ट है तो जल्दी से इनके एक बार हार्मोन देख लेते हैं है। जी आई ट्रैक फोर टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करती है फोर टाइप के वन इज कॉल्ड एज वन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन वन इज कॉल्ड एज सिक्रीट वन इज कॉल्ड एज कोलोकाइन सी सी के कोल सिस्टोकाइनिन और एक है गैस्ट्रिन इन प्रोटीन गैस्ट्रिन इनहाइबाइटिंग प्रोटीन इसका अपोजिट है तो गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिन इनहाइबाइटिंग प्रोटीन एंटागोनिस्टिक हार्मोन है गोनिस्टिक मींस एक कोई काम अलग कर रही है तो इसका अपोजिट काम करेगे एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज तो दिस इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक अगर दोनों हार्मोन का फंक्शन एक ही है दोनों कोई काम को इंक्रीज करेंगे या दोनों कोई काम को डिक्रीज करेंगे तो दीज आर कॉल्ड एज साइनरजिस्टिक हार्मोन साइनरजिस्टिक एंटागोनिस्टिक अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट और एक होता है क्या आपका एंटागोनिस्टिक तो आपसे पूछा जाता है एंटागोनिस्टिक कौन है तो गैस्ट्रिन और जी आई अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चे के बहुत ज्यादा टेंशन आता है मैम इनके हॉर्मोन के, के फंक्शन से तो नहीं याद होते हैं तो बेटा आपको बता दू गैस्ट्रिन जो है प्रोड्यूस तो जी आई ट्रैक से हुई है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करती है किस पे काम करेगी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगी और प्रोड्यूस करेगी एच और पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन तो याद करना गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड और एच और पैप्सिन

ये प्रोड्यूस करती है वाटर एंड बाई कार्बोनेट वाटर और बाई कार्बोनेट का प्रोडक्शन करती है और जिससे क्या मेंटेन होता है आपका एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है अब बेटा आपको कोल सिस्टोकाइनिन याद नहीं होता तो याद रखिए कोल सिस्टोकाइनिन के सी को जी बना दीजिए एक सी को पी बना दीजिए तो कोल सिस्टोकाइनिन सी सी के आपके काम करती है गाल ब्लैडर पे किस पे काम करती है गाल ब्लैडर पे काम करती है और क्या प्रोड्यूस करती है आपकी बाइल जूस का प्रोड्यूस करती है और दूसरा पी तो बेटा ये पैनक्रियाज पे काम करेगी पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस करेगी पेनक्रियाटिक

दोनों सेम कुछ देखा रहे रहा है ना सिक्रीटिन एक्स एक्सोक्राइन तो ये वाटर और बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करेगा और वैसे मैं तो ऐसे याद रखती हूँ एस को ऐसे लिखती हूँ ना तो मैं एस को बी बना देती हूँ तो बाइकार्बोनेट एस से मेरे को बाइकार्बोनेट याद आता है एस से क्या याद आता है बाइकार्बोनेट और बेटा गाल ब्लैडर आपको देखो बेटा गाल ब्लैडर है ना गाल ब्लैडर से सी पी ओके गाल इसके ऊपर अब जी आईपी क्या है जीआईपी काम करेगी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे और और पेप्सिनोजन के रिलीज को कम करेगी क्योंकि अपोजिट है तो यह गैस्ट्रिक जाएगी मोबिलिटी को कम कम करेगी चर्निंग मूवमेंट को रोकेगी पेप्सिनोजन और एच सी एल के रिलीज को रोक देगी तो ये ट्रिक याद हो गई गैस्ट्रिन के एंड जीआईपी जीआईपी एंटागोनिस्टिक टू गैस्ट्रिन जो गैस्ट्रिन काम करेगा उसके अगेंस्ट काम करेगी तो एच सीएल और पेप्सोजन को रोकेगी पैनक्रियास एक्सोक्राइक्राइन पैनक्रियास कॉमन था बच्चा कंफ्यूज

एरीथ्रोप्रोइटिन एक ऐसी हार्मोन होती है जो आपके ब्लड एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है ब्लड के फॉर्मेशन आर के डब्ल्यू और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन पे हेल्प करती है लेकिन एरिथ्रो मतलब क्या होता है मैम आर तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए एरीथ्रोप्राइसिस मीन्स आपका आर का प्रोडक्शन तो किडनी प्रोड्यूस करती है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है मैम ये लीवर का, का काम क्या है तो बेटा आपको याद होगा एनजीओटेसिनोजन सेकेंड मैंने कल बताया था तो आपको याद होना चाहिए एनजीओटेंसिन

कॉन्स्ट्रिक्टर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ये क्या करेगी ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ा देगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी जिससे जीएफआर की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तो ये रिविजन हो गया रिविजन हो गया या नहीं जल्दी बताओ जल्दी 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 बताओ ओके okay? क्लियर जल्दी से रिप्लाई करो ये क्लियर हुआ क्लियर जेनिफर यस वैसे कॉन्स्ट्रक्टर आ रहा ओ हाँ तो ही नहीं रही हो क्लियर हाँ मैम रिविजन हो गया ओके okay, अब बताइए ओके okay, तो बेटा साढ़े चार से साढ़े सात का लेक्चर हो गया है अब हम जितने भी क्वेश्चन होंगे अब देखिए बेटा मैं क्या करने वाली हूँ सारी क्लास अब मैं यूट्यूब में नहीं लेने वाली हूँ अब क्या करेंगे कुछ क्लासेस हम स्पेशल क्लासेस भी लेंगे तो आपको आज करना क्या है आपको यस लीवर एन जी ओ श्री राम थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई अब बेटा मेरी आपसे सारे लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे थे यूट्यूब में जब मैं आपका यू नो ट्वेंटी फाइव डेज चैलेंज लेके आई थी अब हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पेशल क्लासेस में भी करेंगे तो स्पेशल क्लासेस में आप मुझे देख पाएंगे तो आपको करना क्या है अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और प्रिया मैम के पोर्टल पे जाना है और जो भी मैम टाइमिंग देगी जनरली मेरी नौ से दस ही होगी और अब हमें वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं और वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लियर 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 प्रिया पांडे बालोजी आप YouTube चैनल का नाम है थैंक यू पटेल जी दैट्स नाइस प्रिया पांडे ही है मेरा नाम बाय अजय आदि थैंक यू सो मच आज तो बैंड बज गए यार मैम आपका टेलीग्राम है बेटा आपको टेलीग्राम जाना है तो अन अकेडमी नीट का टेलीग्राम है आप वहाँ पे आ जाइए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैम कैन आई पास यू फ्य नाइन वन हरे राम राज यादव ओके okay, चलिए थैंक यू सो मच स्टे ट्यून कल ज़रूर आइए कल हम करने वाले हैं बहुत सारे एम और याद रखना कल अपन को केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने का है और मसल uh, कॉन्ट्रैक्शन देखने का है और फिर उसके बाद बहुत सारे एम लगाने हैं तो आज आप आएंगे कहाँ पे स्पेशल क्लास पे और स्पेशल क्लास से क्या होने वाला है आपका प्लान फिजियोलॉजी के हम जो पाँच चैप्टर हैं उसको सॉल्व करेंगे ठीक है स्पेशल क्लास कौन कौन आ रहा है जल्दी से हाथ ऊपर उठाओ स्पेशल क्लास में कौन कौन आएगा ओके बाय मनीषा आर्य चलो बाय बाय बाय